चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर इन्वेस्टर बाइज ए स्टॉक ऑप्शन ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। मिस्टर होल्डर बाइज ए स्टॉक ऑप्शन ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी कंपनी लिमिटेड का स्टॉक ऑप्शन खरीदा, तो ये कह सकते हैं कि एबीसी कंपनी लिमिटेड राइटर होगी। विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑन 30th जून 2023, स्ट्राइक प्राइस 30th जून 2023, 250 रुपये, एक्सपायर्ड ऑन 30/8, 30/8 को एक्सपायर होगा, मतलब 1 मंथ ऑप्शन है, 1 मंथ। प्रीमियम इज 20 पर यूनिट, ये प्रीमियम क्या करेगा, पे करेगा, इसको क्या होगा, प्रीमियम रिसीव। मार्केट लॉट इज 100, साइज 100 यूनिट्स। मार्जिन टू बी पेड इज 120 पर यूनिट। सर ये क्या है, अरे भाई ये इनिशियल मार्जिन है, फ्यूचर में मैंने आपसे चर्चा की थी ना, इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है, विच इज एज इक्वल टू सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो पे करना पड़ा है, इसका रेलेवेंस कुछ नहीं है। मान लो शो द अकाउंट ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बायर, बायर मतलब होल्डर की बुक्स में। सर ये तो बताया नहीं कि कौन सा ऑप्शन है, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो जैसा मैंने फ्यूचर में बताया था कि लॉन्ग फ्यूचर मानेंगे, वैसे ही यहां पर कॉल ऑप्शन मानेंगे, अज्यूमिंग कॉल ऑप्शन, मतलब ए हैज राइट एंड एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज ऑब्लिगेशन, राइट टू रिसीव या फिर ए हैज राइट टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल। अब ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, व्हेन इट इज टू बी एक्सरसाइज्ड, बाय ए, व्हेन प्राइस राइज, प्राइस राइज फ्रॉम 250 रुपीज, 250 रुपये था ना स्ट्राइक प्राइस, उसने से अगर उससे ऊपर बढ़ जाए, बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बायर। सबसे पहले तीस सात को क्या एंट्री होगी, डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट्स पर मैंने पेमेंट कर दिया 2000 का, इसके अलावा 30/7 को इनिशियल मार्जिन का भी पेमेंट किया, इनिशियल मार्जिन डेबिट, ठीक है, 120 के हिसाब से 100 यूनिट्स पर मतलब 12,000। बेटा ये चीज रिफंडेबल है, याद रखना, इनिशियल मार्जिन, प्रीमियम रिफंडेबल नहीं है। आगे व्हेन द ऑप्शन इज सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ असेट एंड द ऑप्शन इज सेटल्ड इन कैश एंड द इंडेक्स प्राइस इज 260, दो केसेस बन रहे हैं, केसेस पहले मैं केस टू चलूंगा,
विदाउट डिलीवरी प्राइस कितना हो गया 260। क्या बोला गया था एक्सरसाइज बाय ए कब होगा जब प्राइस 250 से ऊपर जाए। कितना चला गया 250 से ऊपर जाए, कितना चला गया 260। तो ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, रिकवरी ऑफ ₹10 पर यूनिट, जबकि उधर प्रीमियम मैंने कितना के पे किया था ₹20। ऑल्दो प्रीमियम पेड 20 पर यूनिट, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम को लॉस में कन्वर्ट करूंगा, फेयर वैल्यू लॉस P&L डेबिट। ₹10 के हिसाब से ₹1,000 का नुकसान, बाकी मुझे बैंक से पैसा मिल जाएगा ₹1,000 और डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट अकाउंट 2,000 से खत्म हो जाएगा। इनिशियल मार्जिन इज रिफंडेबल, मैं उसकी अकाउंटिंग की बात नहीं करूंगा, रिफंडेबल है तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इनिशियल मार्जिन हो जाएगा। केस टू, केस वन, फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स, शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी होगी, कौन सा ऑप्शन था कॉल ऑप्शन, राइट टू परचेज, परचेज करने का अधिकार है, फिजिकल डिलीवरी होगी बेटा, परचेज करने का अधिकार है, समझ लेना। अब अगर परचेज करने का अधिकार है तो कितने पर है, राइट टू परचेज एट 250, मार्केट में 260 चल रहा है, मुझे परचेज करने का अधिकार है ₹250 में, तो मैं क्या करूंगा, मैं परचेज करूंगा, आई विल परचेज टू बैंक, मैं प्रति शेयर के हिसाब से चल रहा हूं फिलहाल, टू बैंक मैं ₹250 में परचेज करूंगा, बोलो बेटा, मैं ₹250 में परचेज करूंगा, टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल असेट ₹2,000 से चली गई, मतलब ₹20 से चली गई, कहीं क्लियर है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एबीसी कंपनी के शेयर्स ₹260 के हिसाब से मुझे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में प्राइस कितना हो चुका है 260, मार्केट प्राइस 260, मार्केट में प्राइस हो चुका है 260 का, मुझे सिर्फ 250 पे करना पड़ रहा है। हाँ, पर इससे पहले मैंने ₹20 प्रीमियम के पे किए थे, मतलब कहीं ना कहीं मैंने ₹270 पे किए हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं, मैंने ₹270 पे किए। अरे समझो ना, सिंपल है यार, ₹20 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, ₹250 में खरीदने का ऑप्शन है, तो कुल मिला के अगर मैं ये शेयर खरीदूंगा अभी तो ₹250 मुझे आज पे करने पड़ रहे हैं और ₹20 मैंने पहले पे किए थे, मतलब ₹270 मुझे पे करने पड़ रहे हैं, जबकि शेयर जो आज मुझे मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है 260 का। सर आप इसको 270 पे ही रिकॉर्ड करो ना, क्योंकि आपको तो 270 में पड़ा, बात तुम्हारी सही है, अगर मैं इसको आज 70 पे ही रिकॉर्ड करता हूं और ये एंट्री कंप्लीट कर लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 270, टू बैंक 250, टू डेरिवेटिव ऑप्शन 20, पर फिर से इंड एस 109 बोलता है कि जो तुमने ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर किया ये भी तो तुम्हारी फाइनेंशियल असेट है, और इस फाइनेंशियल असेट को तुम फेयर वैल्यू करोगे, जब मैं इसको फेयर वैल्यू करूंगा तो आज मार्केट में कितनी वैल्यू है 260, तो मुझे वापस से ₹10 का लॉस बुक करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा क्यों करूं, तो इससे बेहतर है कि मैं यहां पर 260 पे रिकॉर्ड करूं और यहां पर बुक करूं फेयर वैल्यू लॉस ऑन डेरिवेटिव ऑप्शंस डेबिट 10, फेयर वैल्यू लॉस ऑन डेरिवेटिव ऑप्शन 10, समझ में आया कि नहीं। आप फिर से समझो, ₹250 में खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे ऑफर है, मैं 250 में खरीद सकता हूं, ₹20 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, 270 दे चुका हूं, तो सर खरीदी क्यों रहे हो, 260 में बाहर से खरीदो ना, माइंड में एक चीज चलती है,
सर 250 में खरीदने का ऑफर है, पर जबकि 20 रुपए आप दे चुके हो तो 270 में पड़ रहा है, तो आप बाहर से खरीद लो। अरे भाई तो और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपए तो पे कर चुका हूं जिसका मुझे रिफंड नहीं मिलना, और मार्केट से 260 में खरीदूंगा तो 280 पड़ेगा। बेहतर है कि 250 देके 270 का कॉस्टिंग पड़े, तो मुझे पड़ा 270 रुपए का। बट ऑल दो शेयर की वैल्यू आज बाजार में 260 है, तो इसलिए मैंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया उसको। किस पे रिकॉर्ड किया? फेयर वैल्यू पे। और भूलना मत, डे वन मतलब मैंने जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था पहले दिन, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी इनिशियल रिकॉग्निशन होता है किसी भी फाइनेंशियल एसेट का, तो वो किस पे होता है? फेयर वैल्यू पे। तो यहां पर शेयर मैंने खरीदा है तो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा फेयर वैल्यू पे, तो इसलिए बाकी हो गया लॉस। आई बात समझ में? सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे करके ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर आप मुझसे पूछो कि सर इस केस में एबीसी कंपनी राइटर के केस में क्या एंट्रीज होंगी, तो राइटर के केस में जो एंट्रीज होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी के केस में बुक्स में एंट्री क्या होगी? 30/7 को सबसे पहले बैंक डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल लाइबिलिटी 2000। यार इनिशियल मार्जिन मैं भूल रहा हूं, ठीक है ना। केसेस, केस वन, केस वन में क्या हो गया? ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है तो यहां पर ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ऑब्लिगेशन टू पे 10 रुपया। 10 रुपया पे करने की ऑब्लिगेशन हो जाएगी, क्योंकि 260 हो गया 250 के ऊपर बिना फिजिकल डिलीवरी के। तो यहां पर टू बैंक 1000 रुपए पे करना पड़ेगा, टू फेयर वैल्यू गेन 1000 रुपए का गेन हो जाएगा, लाइबिलिटी जो बुक की थी डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल लाइबिलिटी 2000 से चली जाएगी, और बैंक से 1000 पे कर लिए, बाकी 1000 का फायदा। केस टू, एबीसी कंपनी अपना ही शेयर दे रही है, अपना ही शेयर दे रही है, तो शेयर इशू करेगी उसको कितना पैसा मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट उसको 250 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। इनटू 100 नहीं कर रहा हूं, लॉट साइज आप इनटू करते रहना। बैंक अकाउंट डेबिट 250 रुपए के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये भी रिवर्स हो जाएगी 20 रुपए से, 20 रुपए उसको पहले ही मिल चुका था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा हो जाएगा, और टू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा? फेयर वैल्यू हो जाएगा 10 रुपए का, बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम इशू किया जाएगा 260 रुपए के हिसाब से। समझ में आया? यहां पर बेटा इसके लिए लाइबिलिटी ना होके इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये इक्विटी शेयर अपना इशू करेगा। फिर से बोल रहा हूं, बैंक से उसको पैसा मिलेगा, वहां से बैंक से पेमेंट कर रहा है। डेरिवेटिव ऑप्शन फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ये रिवर्स कर देगा, क्योंकि वहां पर वो एसेट को रिवर्स कर रहा है। वहां पर उसको देखो लॉस हो रहा है 10 रुपए का, यहां पर उसको फायदा हो रहा है 10 रुपए का। ये 260 रुपए मतलब आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो शेयर इशू करेगा, तो इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा चला जाएगा। आ गई होगी आपको बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम क्वेश्चन है, 17 इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो सेम, तो ये होमवर्क बन जाएगा। एक मॉड्यूल का क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद अपन ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, 15, 16 एंड 17, दीज ऑल थ्री आर योर होमवर्क। 14 की तरह 17 है, 15 और 16 भी नॉर्मल है, 14 की तरह ही है, तो इसको मैं डिस्कस कर लूंगा अगर आपसे नहीं बनेगा, डोंट वरी। मैं डिस्कस अभी करना चाहता हूं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन। आ जाओ भाई, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो।
चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 19 पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2001 सैम कंपनी लिमिटेड इंटर्ड इनटू अ रिटर्न पुट ऑप्शन, ओके रिटर्न पुट ऑप्शन फॉर यूएसडी डॉलर्स 20,000, डॉलर के ऊपर लगाया गया है। ओके सबसे पहले सैम कंपनी, सैम कंपनी कौन है? राइटर, क्योंकि वो बोल रहा है रिटर्न पुट ऑप्शन, राइटर राइटर है, ठीक है ना। अच्छा जी अंडरलाइन क्या है यहां पर? अंडरलाइन है डॉलर, ठीक है। लॉट साइज क्या है? 20,000 का, ठीक है ना, लॉट साइज 20,000 डॉलर्स, ठीक है। विथ जेटी कॉप, जेटी कॉप के साथ किया है, जेटी लिमिटेड या जेटी कॉप, ठीक। टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर ऑन 31 दिसंबर 2001, ओके जनवरी 1, 2001 में कॉन्ट्रैक्ट किया, दिसंबर में सेटल होगा, 1 ईयर, 1 जनवरी 31 दिसंबर, फॉर अ रेट इक्वल टू 68 पर डॉलर, ओके स्ट्राइक प्राइस 68, स्ट्राइक प्राइस 68 एट द ऑप्शन ऑफ जेटी कॉप, एट द ऑप्शन, इसके पास ऑप्शन है तो ये जेटी कॉप बन गया होल्डर, सैम कंपनी बन गया राइटर, और कौन सा ऑप्शन है? पुट ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? पुट ऑप्शन, तो अगर पुट ऑप्शन है तो इसको क्या है? राइट टू सेल, और इसके पास क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन टू बाय, परचेज करने की ऑब्लिगेशन है। अगर उसने बोला बेचो, अगर इसने बेचने को बेचा तो इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सैम कंपनी लिमिटेड डिड नॉट रिसीव एनी अमाउंट अपॉन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा जी प्रीमियम निल। सैम कंपनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया एंड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च 30 जून, September 30 और 31 December। फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ रिकग्निशन, फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ रिकग्निशन एंड मेजरमेंट एज लेड डाउन इन इंड एस 109, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर ईच क्वार्टर एंडेड टिल द डेट ऑफ एक्चुअल परचेज ऑफ, एक्चुअल परचेज ऑफ, एक्चुअल परचेज ऑफ यूएसडी, मतलब एक्चुअली में इसका फिजिकल डिलीवरी होगा, ओके देयर विल बी अ फिजिकल डिलीवरी ऑफ यूएसडी ऑन 31 December, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग प्लीज यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग मार्क्ड टू मार्केट फेयर वैल्यू, रिप्रेजेंटिंग मार्क्ड टू मार्केट फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट ईच रिपोर्टिंग डेट, हर रिपोर्टिंग डेट पे कुछ फेयर वैल्यू बताइए, 25,000, 15,000 निल, और यहां पर एक्चुअली स्पॉट रेट दे दिया 66 का, ठीक है। बस सर ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना है? बेटा उसने बोला ना सैम कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है इंडिया की, वो अपने क्वार्टरली स्टेट बनाती है, तो हमें किसकी बुक्स की बात करनी है? बुक्स ऑफ सैम कंपनी
लिमिटेड, बुक्स ऑफ सैम कंपनी लिमिटेड। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्लियर सर? ये बताओ, ये नहीं समझ में आया, फेयर वैल्यूज मार्क्ड टू मार्केट क्या है? अरे भाई आपको ये पता है ना कि एक स्ट्राइक प्राइस रहता है, एक स्ट्राइक प्राइस होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्राइक प्राइस 250 था, और फिर बार बार वैल्यू चेंज होती रहती है। मार्केट का प्राइस 260 हो गया, तो 250 से 260 हो गया, तो फेयर वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपए। इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपए। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बेस्ड ऑन मार्क टू मार्केट 10 रुपए हो गया। तो वैसे ही ये जो 25 रुपए है, ये स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है ना? दिस इज डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। सर कैसे कैसे? स्ट्राइक प्राइस देखो 68 था, स्ट्राइक प्राइस 68 था, तो सोचो 68 का अगर स्ट्राइक प्राइस था और यूनिट साइज था 20,000, तो 68 इंटू 20,000 डॉलर किए जाए तो ये होता है 13,60,000। और मार्केट में 25,000 नेगेटिव हो रहा है, मतलब सैम कंपनी के द्वारा 25,000 नेगेटिव चल रहा है, 25,000 नेगेटिव चल रहा है, मतलब उसको नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान कब होगा बताओ? यहां पर सैम कंपनी को लॉस कब होगा? व्हेन सैम कंपनी विल बी एट लॉस। सैम कंपनी लॉस में तब आएगी जब जेटी कॉप प्रॉफिट में आएगी। प्रॉफिट में जेटी कॉप कैसे आएगी? उसके पास पुट ऑप्शन है, वो राइट टू सेल करने का। जब मार्केट में वैल्यू गिरेगा तो इसके पास ऑप्शन होगा कि ये बेचेगा सैम कंपनी को 68 में। मैं अगर जल्दी बोल रहा हूं तो इसलिए मैं रुक जाता हूं और आप आराम से सोचो। जेटी कंपनी के पास पुट ऑप्शन है, मतलब राइट टू सेल। क्या सेल करने का ऑप्शन है? डॉलर। कितने में? 68 सेल करने में। जैसे मेरे पास मोबाइल सेल करने का ऑप्शन था 68 में, तो बताओ जेटी कंपनी 68 में कब बेचेगी? जब मार्केट में डॉलर का रेट गिरेगा तो जेटी कंपनी को फायदा होगा। तो जब जेटी कंपनी को फायदा होगा तो सेम कंपनी को लॉस होगा, और सेम कंपनी को यहां पर 25,000 का लॉस हो रहा है। तो जेटी कंपनी के पास राइट टू सेल है, राइट टू सेल एट 68, और जेटी कंपनी को प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट में प्राइस 68 से नीचे जाएगा, और सेम कंपनी तब लॉस में होगा। तो मैं बोल सकता हूं व्हेन डॉलर फॉल्स, जब डॉलर गिरेगा तो सैम कंपनी को नुकसान होगा, और यहां पर 25,000 का नुकसान हुआ है तो पक्की बात है डॉलर गिर रहा होगा, डॉलर गिर रहा होगा, पक्की बात है। क्योंकि ये बेचारा जब खरीदेगा तो 68 में खरीदेगा जबकि मार्केट में प्राइस कम चल रहा होगा। चलिए इतना ज्यादा डीपली मत घुसिए, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये 25,000 है, ये डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस का। इस समय 25,000 हो गया लॉस में, पर यहां पर लॉस उसको सिर्फ 15,000 हो रहा है, यहां पर लॉस निल हो रहा है क्योंकि यहां पर वापस से प्राइस 68 ही चल रही होगी और यहां पर एक्चुअली 66 हो गई। अब हमें एंट्री किस हिसाब से करना चाहिए? सबसे पहले डे वन अकाउंटिंग, मतलब 1 जनवरी, नो प्रीमियम, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, प्रीमियम देना ही नहीं पड़ा, लेना ही नहीं पड़ा। फिर 31 मार्च, को क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट करेगा सैम कंपनी क्योंकि उसका लॉस हो रहा है, तो फेयर वैल्यू लॉस P&L डेबिट टू डेरिवेटिव ऑप्शन फाइनेंशियल लायबिलिटी 25,000। फिर 30th जून को क्या हो गया? 15,000 हो गया ये लायबिलिटी, ये 25,000 से ये कितना लॉस हो गया? 15,000।
25,000 से 15,000 रुपये हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? मतलब यहां पर 25,000 का नुकसान की पोजीशन क्रिएट हो रही थी, पर अब लग रहा है कि नहीं 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 25,000 का नुकसान नहीं होगा, अब सिर्फ नुकसान कितने का होगा, 15,000 का नुकसान होगा, सिर्फ 15,000 का नुकसान होगा। तो यहां पर नुकसान कम होगा, लॉस कम होगा 10,000 से। जब 10,000 से कम होगा तो मैं इसी डेरिवेटिव ऑप्शन फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट कर दूंगा 10,000 से। यहां क्रेडिट किया था 25, 10,000 से डेबिट, तो 15,000 का अपने आप लायबिलिटी रिमेनिंग बचा रहेगा टू फेयर वैल्यू गेन। सर गेन कैसे? अरे पहले लॉस बुक किया था 25 का, जबकि अब लग रहा है सिर्फ 15 का लॉस होगा, तो बाकी का गेन हो गया यहां पर। समझ आया? अलग अलग क्वार्टर है ना बेटा, पिछले क्वार्टर में लॉस 25,000 का, इस क्वार्टर में गेन 10,000 का, सो दैट 15,000 का लॉस ही होगा। 30th सितंबर, अब लॉस निल होगा, लॉस इज इक्वल टू निल, तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल, लायबिलिटी को रिवर्सल करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑप्शंस फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट 15,000 टू फेयर वैल्यू गेन 15,000। अब फाइनली आ गई 31 दिसंबर, और यहां पर आई थिंक फिजिकली सेम कंपनी विल बाय। क्यों सर बाय क्यों करेगी? फिर से बोल रहा हूं, जेटी कंपनी के पास पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। तो सेम कंपनी को क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय एट 68। तो सेम कंपनी को परचेज करना पड़ेगा, कितने में परचेज करना पड़ेगा, 68 में। तो 68 में वो परचेज करेगा, कैश अकाउंट पैसा देगा वो, 68 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेगा वो, $20,000 पर। बोलो बेटा, $20,000 पर वो 68 के हिसाब से पेमेंट करेगा, जबकि उसको डॉलर कितना मिल रहा है, डॉलर उसको कितना मिल रहा है, उसको $20,000 मिल रहे हैं, जिनकी आज की वैल्यू कितनी है, 66। आज की वैल्यू कितनी है, 66। किसी भी फाइनेंशियल असेट को क्रिएट कितने में बुक करते हैं, फेयर वैल्यू पे, इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू। डॉलर मतलब कैश में जो मुझे मिल रहा है, डॉलर कैश अपने आप में क्या होता है, फाइनेंशियल असेट। याद करो फाइनेंशियल असेट का डेफिनेशन, फाइनेंशियल असेट मीन्स अ कैश। तो यहां पर कैश फॉरेन करेंसी इज माई फाइनेंशियल असेट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितना है आज का, 66। बट मैंने उसको पे कितने में किया, मैंने उसको पे करने मुझे कितना पे करना पड़ा, 68, क्योंकि मेरी ऑब्लिगेशन है पे करने की 68 की। तो ऑब्लिगेशन 68 की है, जबकि मैंने 66 में खरीदा, मुझे 66 का मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो बाकी का फेयर वैल्यू लॉस। आई बात समझ में कि नहीं? और फेयर वैल्यू लॉस P&L से बुक होगा $20,000 ₹2 के हिसाब से। यहां उसने लाइब्रेरी बुक किया, यहां लाइब्रेरी थोड़ी सी कम कर दी, यहां लाइब्रेरी कम कर दी, बट वापस से यहां पर वैल्यू डॉलर की कम हो गई और उसको खरीदना पड़ रहा है। खरीदने के लिए 68 पे कर रहा है, जबकि वो रिकॉर्ड कर रहा है 66 पे, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन पे रिकॉर्ड होता है ₹2 का नुकसान। फिर से बोल रहा हूं, खरीदने के लिए 68 पे कर रहा है, बिकॉज ऑब्लिगेशन टू बाय एट 68 है। जबकि आज मार्केट में अगर मैं परचेस करने जाऊं, सेम कंपनी बोलेगा मार्केट से अगर मैं परचेस करने जाऊं तो मुझे सिर्फ 66 देने पड़ेंगे, तो मुझे ₹2 ज्यादा देने पड़ रहे हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं? चलो गाइस, सो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। मैंने आपको होल्डर और राइटर दोनों की बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। ऑप्शन यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं, ऑप्शन को, डेरिवेटिव ऑप्शन भी यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर वेरी गुड क्वेश्चंस, 17 बिल्कुल सेम कॉपी है क्वेश्चन नंबर 14 का, अभी आप उसको रख करें। आई एम टेकिंग अ ब्रेक, ब्रेक के बाद आई डिस्कस हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिस्कस करने में, और हेज अकाउंटिंग का जब हम डिस्कशन करेंगे वो डेरिवेटिव जो गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चलेगा साथ में, मतलब वो भी डिस्कशन होगा, वो सेम ही है।
और इसके अलावा हम उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो करेंगे। अगर कुछ नोट्स में से अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो हम सारे निपटाएंगे, मतलब आज के क्लास में हम पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, सो पहले आई एम टेकिंग अ ब्रेक, टिल दैट आप क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 एक बार करके देखिए। 17 तो सेम कॉपी है, 15, 16 मैं डिस्कस भी कर लूँगा। चलिए, अगर कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे तो आज ही हम निपटा लेंगे, सो दैट हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए आज ही के दिन में। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके गाइस, चले आगे, अब बात करते हैं अब हेज अकाउंटिंग की। हेज अकाउंटिंग ये भी डेरिवेटिव अकाउंटिंग का पार्ट है, हेज अकाउंटिंग। गाइस, अभी हम जो बात करने वाले हैं हेज अकाउंटिंग के बारे में, मैं अपने आप को सीमित रखूंगा सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेज अकाउंटिंग अपने आप में, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। हेज अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हेज अकाउंटिंग को पूरी तरीके से समझ पाना अपने आप में एक एक्सपर्टाइज हासिल करना होता है। जैसे डेरिवेटिव एक बहुत बड़ी चीज है, उसी में हेज अकाउंटिंग इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हेज अकाउंटिंग पे मुझे रेगुलर क्लास लगानी पड़े, ये तो अपना क्रैश बैच है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने न्यू सिलेबस का जो क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए जो मैं रेगुलर बैचेस का क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें ये मान लीजिए कि हेज अकाउंटिंग पर ही 3 घंटे के मिनिमम से मिनिमम 2.5 से 3 लेक्चर्स सिर्फ हेज अकाउंटिंग पे मुझे रिकॉर्ड करने पड़े। क्यों पता है? क्योंकि रेगुलर क्लास में हमें एक एक चीज की बात करनी पड़ती है। बट मैं अपने आप को यहां पर सीमित करूंगा, मैं यहां पर अपने आप को इसलिए सीमित करूंगा क्योंकि हमें सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें क्वेश्चन करने चाहिए, हम उनकी बात करेंगे। अकाउंटिंग के मुद्दे पे आएंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें की गई हैं हेज अकाउंटिंग के बारे में, गाइडेंस नोट में बहुत सारी बातें की गई हैं। एक्चुअली जो गाइडेंस नोट है ना, वो पूरा का पूरा गाइडेंस नोट इन डेज 109 से ही चुराया गया है और बोला गया कि ये गाइडेंस नोट है। बेसिकली क्या, इन डेज 109 उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जो फेज 1 और फेज 2 रोड मैप में आती हैं। बट ऐसी कंपनी जो फेज 1 फेज 2 रोड मैप में नहीं आती है, उनका क्या? उनके ऊपर गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा और वो डिट्टो सेम 109 की तरह ही है, इंडियस 109 की तरह ही है। तो इंडियस 109 और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो गाइडेंस नोट है वो अलग अलग नहीं है, इसलिए जो मैं अभी बात करूंगा वो इंडियस और गाइडेंस नोट की एक ही बात करूंगा। दूसरी बात मैं फिर से बोल दूं, हेज अकाउंटिंग की हम बात करेंगे बिल्कुल मुद्दे पे आके कि करना क्या होता है, सर ये बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये बताओ हेज अकाउंटिंग का। चलिए शुरू करते हैं हेज अकाउंटिंग की डेफिनेशन से, हेज अकाउंटिंग नहीं, हेजिंग की डेफिनेशन से। अकाउंटिंग तो ठीक है, बाद में बात करेंगे, अपन बात करेंगे हेजिंग। हेज क्या होता है, क्यों हेज करते हैं, काहे को हेज करते हैं, आ रही है बात समझ में? ठीक है बेटा, हेज ये मान लीजिए कि हेजिंग में पर्पस टू मिटिगेट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, द रिस्क ऑफ लॉस मतलब कुछ मुझे लॉस होने वाला है, उस लॉस की रिस्क को कम करने के लिए मैं हेजिंग करता हूं। आई बात समझ में कि नहीं? मुझे उस लॉस की रिस्क को कम करना है, मुझे लॉस फ्यूचर में थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसीलिए मैं हेज अकाउंटिंग करता हूं, मतलब हेज करता हूं। तो हेजिंग इसलिए करते हैं जब मुझे किसी नुकसान का अंदेशा होने वाला है, मुझे कुछ फ्यूचर में लगता है कि मुझे नुकसान हो सकता है। सर किस प्रकार का नुकसान? भाई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं, मुझे डर है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डाउन ना हो जाए, या मुझे कुछ रियलाइजेशंस होने वाले हैं, मुझे डर है कि मुझे रियलाइजेशंस कम वैल्यू पर ना हो, मतलब लोअर वैल्यू पर मुझे रियलाइजेशंस ना हो, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो हेजिंग हमेशा लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। हेजिंग में पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है, नॉट फॉर
अर्निंग प्रॉफिट। कभी भी हेजिंग प्रॉफिट अर्निंग फंडे से नहीं होती। जैसे अभी तक हमने फ्यूचर्स पढ़ा, ऑप्शंस पढ़ा, ठीक है ना, फ्यूचर्स ऑप्शंस फॉरवर्ड्स वगैरह ये सब पढ़े। ये सब क्या थे? ये सब थे स्पेक्युलेशन ट्रांजेक्शंस। ये सब कौन से ट्रांजेक्शन थे? स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन में डिलीवरी नहीं होता और हमारा अल्टीमेट इंटेंशन होता है टू अर्न द प्रॉफिट। जबकि हेज अकाउंटिंग मतलब हेजिंग में कभी भी हम प्रॉफिट का मोटिव नहीं करते। हमें प्रॉफिट में नहीं पड़ी हमें, बल्कि हमें जो नुकसान होने वाला है हम उस नुकसान को कम से कम करना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो इसलिए हेज किया जाता है। इंड एएस और गाइडेंस नोट क्या बोलता है? इंड एएस और गाइडेंस नोट बोलता है अकाउंटिंग तभी होगी जब आपके पास हेजिंग के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है, हेजिंग डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने मेंटेन किए हुए हैं, तो ही आप हेज अकाउंटिंग कर सकते हो। मैं ये पॉइंट एक एक बात फिर से रिपीट करूंगा थोड़ी देर बाद। अकाउंटिंग तभी होगी जब हेजिंग डॉक्यूमेंटेशन आप मेंटेन कर रहे हो। हेजिंग डॉक्यूमेंटेशन आप मेंटेन कर रहे हो सर। हेजिंग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि आप लीगली कुछ हेजिंग कर रहे हो, या हेजिंग करने के लिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स का आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। अगर विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं तो आप हेज अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। मैं आऊंगा इस पर फिर से बात करूंगा, ठीक है? अच्छा जी, हेजिंग में होता क्या है? आप किस तरीके से चीजों को हमें समझना है। देखो हेज में क्या होगा, सबसे पहले दो चीजें होती हैं हेजिंग में। हेजिंग में दो चीजें होती हैं, एक होता है हेज्ड आइटम। नाउ व्हाट इज दिस हेज्ड आइटम? हेज्ड आइटम मतलब ऐसा कोई आइटम जिस पे रिस्क है, जिसमें कुछ रिस्क अटैच है। ऐसा कोई आइटम जिस पे कुछ ना कुछ रिस्क अटैच है। सर मतलब जैसे मान लीजिए फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। बताइए रिसीवेबल मतलब क्या होते हैं? डेटर्स। डेटर्स पैसा मिलना है। कैसे पैसा मिलना है? फॉरेन करेंसी में पैसा मिलना है। बताओ रिस्क होगी कि नहीं होगी इसमें? मेरे पास कुछ फॉरेन डेटर्स रखे हैं, मुझे रिस्क है एक चीज का। क्या चीज का रिस्क है? कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर ना जाए। सो माय फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, माय फॉरेन करेंसी डेटर इज माय हेज्ड आइटम। मतलब मैं इसके ऊपर हेजिंग करना चाहता हूं, इसके ऊपर हेजिंग करना चाहता हूं, इसको मैं सेव करना चाहता हूं, मैं इसको बचाना चाहता हूं। आई बात समझ में कि नहीं? सर और क्या हो सकता है? जैसे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल बोला, वैसे ही फॉरेन करेंसी पेबल। फॉरेन करेंसी पेबल एक लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी मुझे चुकानी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में, फ्यूचर में। फ्यूचर में दोनों के केस में फ्यूचर में बात करेंगे। पहली बात तो बात हमेशा फ्यूचर की ही होगी, ठीक है ना? फ्यूचर में मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, मुझे डर लगता है कि शायद मुझे ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े, लॉस ना हो जाए। तो ये एक हेज्ड आइटम है, मैं इसको सेव करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। क्या करूंगा? अभी रुक जाओ, कुछ ना कुछ करूंगा। अच्छा जी और क्या हो सकता है? और हो सकता है इक्विटी शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एक कंपनी का इक्विटी शेयर रखा है। बताओ अगर मेरे पास एक कंपनी का इक्विटी शेयर रखा है तो मेरी क्या इच्छा होगी? मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि इसका रेट बढ़े। और मेरे पास एक और रिस्क क्या होगा? मैं क्या नहीं चाहूंगा? मैं नहीं चाहूंगा कि इसका रेट गिरे। पर अगर मुझे मान लीजिए डर लगता है कि इसके रेट गिर सकते हैं, इसके रेट गिर सकते हैं, तो ये इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। इसके रेट गिरने पर जो मुझे लॉस होगा, मुझे उस लॉस के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरा वो लॉस कॉम्पनसेट हो जाए। मुझे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इन सारी चीजों को सेव कर सकूं। तो जिसको मैं सेव करना चाहता हूं उसको बोलते हैं हेज्ड आइटम। इसके अलावा हेज्ड आइटम में और क्या हो सकता है? हेज्ड आइटम में होता है इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री इज अ हेज्ड आइटम? यस। मान लीजिए आज मेरे पास एक इन्वेंट्री रखी हुई है, मान लीजिए मेरे पास इन्वेंट्री रखा हुआ है और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मुझे मिस्टर एक्स को ये इन्वेंट्री आफ्टर 3 मंथ्स सेल आउट करना है। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे इस मिस्टर एक्स को ये इन्वेंट्री सेल आउट करना है।
और रेट किस रेट पे सेल आउट करना है, उस रेट पे सेल आउट करना होगा जो रेट 3 महीने बाद उस इन्वेंट्री का होगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आई एम डीलिंग इन गोल्ड, मेरे पास गोल्ड पड़ा है, ठीक है ना, मैं गोल्ड का मर्चेंट हूं, मैं गोल्ड मर्चेंट हूं, एंड मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर एक्स के साथ कि मैं 3 महीने बाद मिस्टर एक्स को गोल्ड सेल करूंगा, किस रेट पर, जो 3 महीने का, 3 महीने बाद जो स्पॉट रेट होगा, जो भी 3 महीने बाद का स्पॉट रेट होगा। बताओ बेटा मुझे क्या डर होगा, गोल्ड के गिरने का होगा कि नहीं होगा, गोल्ड के गिरने का डर होगा। गोल्ड के अगर मुझे गिरने का डर होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए गोल्ड के गिरने के डर से, मुझे क्या करना चाहिए, आपको बताओ मैं क्या करना चाहिए, मैं एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। मेरी बात क्लियरली सुन लो, गोल्ड के गिरने का डर है मुझे, मुझे गोल्ड के गिरने का डर है, गोल्ड मेरे पास फिजिकली इन्वेंटरी रखा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि फ्यूचर में मुझे 3 महीने बाद गोल्ड को बेचना है मिस्टर एक्स को, कितने दाम पर, वो जो दाम होगा वो होगा 3 महीने बाद का जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा, स्पॉट रेट उस वक्त का। बट आज मुझे एक डर लग रहा है, तो मैं अपने डर को कैसे खत्म करूं, क्या डर है मेरा, मेरा डर है कि गोल्ड के रेट गिर ना जाए, अगर पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर गोल्ड का रेट गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने एक काम किया, मैं गया एमसीएक्स, एमसीएक्स मतलब कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडिंग, कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडिंग, मैंने एमसीएक्स में जाके, एमसीएक्स जैसे एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां शेयर ट्रेड होते हैं, वैसे ही कमोडिटी भी तो ट्रेडिंग करती, ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। मैं एमसीएक्स में जाके मैंने गोल्ड के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, गोल्ड के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, गोल्ड का मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, आज मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दो प्रकार के होंगे, लॉन्ग और शॉर्ट, ध्यान है कि नहीं, लॉन्ग और शॉर्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग मतलब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा ये सोचते हुए, और शॉर्ट मतलब प्राइस गिरेगा। सुनो मेरे पास गोल्ड रखा है, मुझे डर किस बात का है कि गोल्ड के रेट गिरेंगे, मैंने क्या किया, इसी गोल्ड के ऊपर एक ट्रेडिंग कर ली, कमोडिटी मार्केट में मैंने गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिया, गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी, गोल्ड इज अ कमोडिटी, तो गोल्ड का मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लिया। और आपको पता है मैं कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करूंगा, शॉर्ट, शॉर्ट मींस व्हाट, शॉर्ट का मतलब होता है अगर रेट गिरा तो मैं जीतूंगा। तो देखो यहां से मुझे लग रहा है एक डर, कौन सा डर लग रहा है, कि गोल्ड के रेट गिरेंगे, अगर गोल्ड के रेट गिरे और मैं कुछ भी ना करूं, मैं बस बैठा रहूं, मैं चुपचाप बैठा रहूं, गोल्ड के रेट गिरेंगे, गोल्ड के रेट गिरेंगे, मैं बस चुपचाप बैठा हूं, मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे उल्टियां आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, गोल्ड के रेट गिरेंगे 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 गिरेंगे, गिर गए, मुझे हो गया नुकसान। बट यहीं पे अगर मान लीजिए इसको मैं सेफ करना चाहता तो मैं क्या करता, गोल्ड के रेट गिरेंगे मैं क्या करूं, मैं इसके अगेंस्ट मैं गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने, गोल्ड के कमोडिटी पे मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर लिया। अब आपको बहुत अच्छे से, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, मैंने गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर लिया उतने ही वैल्यू का जितने वैल्यू का मेरे पास इन्वेंट्री रखा है, मैंने उतने ही यूनिट्स पर, उतने ही यूनिट्स पर, उतनी ही क्वांटिटी पर मैंने गोल्ड पे दाव लगाया। और कौन सा दाव लगाया, शॉर्ट। पता है शॉर्ट क्यों लगाया, उधर मुझे डर है कि गिरेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गिर सकता है, और यहां मैंने गिरने के ऊपर ही शर्त लगाई। अब देखो अगर मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने शॉर्ट खरीदा है और गोल्ड के रेट वाकई में गिर गए, तो उधर तो मुझे नुकसान होगा, पर इस नुकसान की भरपाई, इस नुकसान की भरपाई, इस नुकसान का कॉम्पनसेशन मुझे कहां से मिलेगा, इस शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गोल्ड से। गोल्ड के रेट जैसे ही गिरेंगे यहां से मैं पैसा कमा लूंगा, यहां से मैं पैसा कमा लूंगा, तो जो मुझे नुकसान हुआ इस हाथ पे, हेज्ड आइटम पे, मैंने इस आइटम को, मैंने इस गोल्ड को हेज कर दिया, किसके सहारे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के सहारे, मैंने इसकी हेजिंग कर ली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के सहारे। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और वहां से मैंने उतना लॉस कवर कर लिया। सर जरूरी है क्या, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास 1 किलो सोना रखा है, तो आप 1 किलो सोने के ऊपर ही आप ट्रेडिंग करो, नहीं, मैं हो सकता है आधा किलो सोने पे ट्रेडिंग करूं, मैं हो सकता है 10 ग्राम सोने पे ट्रेडिंग करूं, तो जितने पे सोने पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो उतने तक का तो आप अपना नुकसान को कवर कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं, यही तो होती है हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या, आपको जो लॉस होने वाला है उसको कम करना या उसको मिटिगेट करना के लिए आप क्या करते हो, आप
एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, वो इंस्ट्रूमेंट आपका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जनरली, या फिर आपका सॉरी वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? डेरिवेटिव। सर जरूरी है क्या हमेशा फ्यूचर में ही करें, ऑप्शन में नहीं कर सकते? नहीं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो सेव करने के लिए, किसको सेव करने के लिए? हेज्ड आइटम को सेव करने के लिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, और वो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप हेज्ड आइटम को बचाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव का ही हो, पर जनरली डेरिवेटिव का होता है, तो वो डेरिवेटिव या नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दो चीजें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, हेज्ड आइटम मतलब जिसके ऊपर नुकसान होने की रिस्क है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी पेबल, इक्विटी शेयर मेरे पास किसी कंपनी का रखा हुआ है, या इन्वेंट्री, जैसे जैसे एग्जाम्पल कॉपर गोल्ड वगैरह। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फोरकास्ट ट्रांजेक्शन, फोरकास्ट ट्रांजेक्शन। ये फोरकास्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है सर? फोरकास्ट ट्रांजेक्शन मतलब फ्यूचर में होने वाला कोई ना कोई अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। अनकमिटेड मतलब मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, पर मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना है। सर अच्छे से बताओ ना क्या बोलना चाहते हो, फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करना है मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने सोचा कि एग्जाम सीजन स्टार्ट होने वाला है, मई में एग्जाम होंगे बच्चों के, आप सभी लोग मुझसे पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, मैंने सोचा एग्जाम खत्म हो जाए मई के, जुलाई में रिजल्ट आ जाए, और जो जो पास होगा मेरा स्टूडेंट मैं उसको फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊंगा, मैं उसको फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने सोचा कि जो मेरा बच्चा है, बच्चा मतलब मेरा बच्चा नहीं, मतलब मेरा स्टूडेंट है, अगर मेरा स्टूडेंट पास हो जाता है तो मैं अपने स्टूडेंट को फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊंगा मेरी तरफ से, और फॉरेन ट्रिप पे कब ले जाऊंगा? अगस्त में, क्योंकि जुलाई में तो उसका रिजल्ट आएगा और अगस्त में मैं उसको फॉरेन ट्रिप पे ले जाऊंगा। अगस्त में मैंने सोचा फॉरेन ट्रिप करना है। फॉरेन ट्रिप कहाँ करना है सर? फॉरेन ट्रिप करना है, मान लीजिए फॉरेन ट्रिप करना है अमेरिका में, फॉरेन ट्रिप मैं ले जाऊंगा, अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा। अब अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। अब मैंने आज ऐसा सोचा है, मैंने आज ऐसा सोचा है, मैंने आप लोगों से कमिटमेंट नहीं किया है कि मैं ऐसा करूंगा, पहली बात तो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन जो मैं फ्यूचर में करने वाला हूं, मैं फ्यूचर में एक ट्रांजेक्शन करने वाला हूं। कौन सा ट्रांजेक्शन करने वाला हूं? मुझे फ्यूचर में घूमने जाना है, विदेश घूमने जाना है अपने स्टूडेंट्स को लेकर, उसके लिए मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, आई हैव टू परचेज फॉरेन करेंसी, मुझे डॉलर परचेज करने पड़ेंगे। मुझे क्या चीज का डर लग रहा होगा? मुझे ये डर लग रहा होगा कि अगस्त तक डॉलर के रेट ना बढ़ जाए। क्या करूं यार, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, अगस्त के तक डॉलर के रेट बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं फॉरेन करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, लॉन्ग वाला, क्योंकि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? रेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, तो मैं लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा फॉरेन करेंसी के ऊपर। बट ये ट्रांजेक्शन क्या मैंने कर लिया क्या? या मेरे पास कोई रिसीवेबल रखा है क्या? मेरे पास पेबल है क्या? मेरे पास कोई इक्विटी शेयर रखे हैं क्या? मेरे पास कोई इन्वेंट्री है क्या? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट फ्यूचर में कुछ ना कुछ मैं ट्रांजेक्शन करने वाला हूं, कुछ खर्चा करने वाला हूं। फॉर फ्यूचर का ट्रांजेक्शन जो कि अनकमिटेड है उसको बोलते हैं फोरकास्ट ट्रांजेक्शन, और वो जो फोरकास्ट ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर भी मुझे रिस्क हो सकती है लॉस की, और उसको सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेज करूंगा, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मेरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और मेरा नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो मेरे हिसाब से मैंने आपको दो तीन चीजें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। हेज्ड आइटम मतलब जिसके ऊपर रिस्क होता है लॉस होने का, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब लॉस को, लॉस की रिस्क को कम करने के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो
उसको बोलते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव दोनों हो सकते हैं। आई बात समझ में? ओके अब एक और बात सर, क्योंकि हम डेरिवेटिव या नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं, तो सर अकाउंटिंग कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि एक तो हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग होगी। यस बिल्कुल करेक्ट। अब अकाउंटिंग दो डबल अकाउंटिंग सोचो कैसे होनी है, डबल पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। एक हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग हो रही होगी, एक तो हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग हो रही होगी और दूसरी अकाउंटिंग मुझे करनी पड़ेगी डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की। अब दो दो चीजों की मुझे अकाउंटिंग करनी है, मुझे दो दो चीजों की अकाउंटिंग करनी है, एक तो हेज्ड आइटम और दूसरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में कि नहीं? हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले इन दोनों की, कि अब क्या होगा अकाउंटिंग करते वक्त हमें क्या करना है, हेज्ड आइटम का क्या करना है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या करना है, हेज्ड आइटम का क्या करना है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या करना है। बात समझ में आई? ओके आइए बुक पे पेज नंबर 20, मतलब मेरे पास जो नोट्स हैं पेज नंबर 20, हो सकता है आपके पास नोट्स में 20-21 करके ऐसा कुछ हो, डोंट वरी, वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। है वही सब चीजें लिखी हुई, मैंने जब ये नोट्स का प्रिंट निकाला था उसके बाद हल्का फुल्का मैंने एडिटिंग करके आपको, और थोड़ा सा जहां जहां मुझे मिस्टेक लगी नोट्स में मैंने वो एडिटिंग करने के बाद आपको नोट्स पहुंचाए, तो इसलिए हो सकता है पेज इधर उधर हो। हेज अकाउंटिंग पेज नंबर 20, मीनिंग हेज मतलब होता क्या है, मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करना। देखो मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट मतलब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना, और एक्वायरिंग सम डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, या फिर डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट खरीदना इन ऑर्डर टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस, जो आपको लॉसेस होने वाले हैं, पोटेंशियल लॉसेस, इन ऑर्डर टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस दैट मे बी इनकर्ड ऑन सम आइटम एज अ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर रिस्क, जो कि हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिस्क के कारण उन आइटम्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्क है, उन आइटम्स को बोला जाता है हेज्ड आइटम। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हेज्ड रिस्क, ये हेज्ड रिस्क क्या होती है, एग्जाम्पल फॉरन करेंसी रिस्क, फॉरन करेंसी के बढ़ने की, फॉरन करेंसी के गिरने की, इक्विटी शेयर के गिरने की, क्योंकि मेरे पास अगर इक्विटी शेयर है तो बढ़ने की रिस्क नहीं होगी, गिरने की होगी, इन्वेंट्री है तो गिरने की रिस्क होगी। पर यही उल्टा, मेरे पास इक्विटी शेयर नहीं है पर 2 महीने बाद मैं इक्विटी शेयर खरीदने वाला हूं, सुनो मेरी बात, 2 महीने बाद मैं गोल्ड खरीदने वाला हूं, 2 महीने बाद मैं इक्विटी शेयर खरीदने वाला हूं, फोरकास्ट ट्रांजेक्शन, फ्यूचर में मैं खरीदने वाला हूं, तो बढ़ने का रिस्क, ठीक है। दूसरा हेज्ड आइटम, ये हेज्ड आइटम क्या होता है मैंने आपको पहले से बता दिया है, यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है अ रिसीवेबल और पेबल इन फॉरेन करेंसी, यहां पर सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है बट आप समझ सकते हो कि हेज्ड आइटम मतलब दैट आइटम विच कवर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क, विच कवर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क, और उस रिस्क को कम करने के लिए आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में जाते हो। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल यूरो फॉर अ फिक्स्ड रेट एट अ फिक्स्ड डेट। एक एग्जाम्पल है, फिर से मैं बोलूंगा ये मीनिंग नहीं है, ये एग्जाम्पल है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एक फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है टू सेल परचेज द फॉरेन करेंसी एट अ पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है ना। आगे फर्म कमिटमेंट, ये फर्म कमिटमेंट क्या होता है सर, अ फर्म कमिटमेंट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। देखो मैंने आपको क्या बताया था, फोरकास्ट ट्रांजेक्शन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन होता है। मैंने बच्चों से कोई सॉरी कमिटमेंट नहीं किया था कि मैं तुम लोगों को ले चलूंगा। फर्म कमिटमेंट क्या होता है, अ फर्म कमिटमेंट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मुझे मिस्टर एक्स को 3 महीने बाद, मुझे मिस्टर एक्स को 3 महीने बाद इन्वेंट्री सेल करना है, गोल्ड सेल करना है, और मुझे डर लग रहा है कि वो इन्वेंट्री का रेट गिर ना जाए क्योंकि मुझे सेल करना है फ्यूचर में जो प्राइस होगा 3 महीने बाद। ये बेटा क्या हुआ, ये एक फर्म कमिटमेंट हुआ, फर्म कमिटमेंट। तो फर्म कमिटमेंट भी हो सकता है, हेज्ड आइटम मे बी अ फर्म कमिटमेंट, हेज्ड आइटम मे बी अ फोरकास्ट ट्रांजेक्शन, हेज्ड आइटम मे बी द इक्विटी शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हेज्ड आइटम मे बी द फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स और फॉरेन करेंसी पेबल्स। और फोरकास्ट ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, अ फोरकास्ट ट्रांजेक्शन इज एन अनकमिटेड बट एंटिसिपेटेड फ्यूचर ट्रांजेक्शन। कमिटमेंट नहीं है पर मुझे लगता है कि वो ट्रांजेक्शन करना है, मुझे तो करना ही है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मस्ती मजाक में कि मैं तुम लोगों को ले चलूंगा, मैं तुम्हें ले चलूंगा, बट कमिटमेंट नहीं है पर मुझे पता है कि हाँ यार मुझे ले चलना पड़ेगा, तो मुझे आज ही से उसका कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? मैं हमेशा बिलीव करता हूं
शायद आपको लग रहा होगा सर आप कितना ज्यादा बोल रहे हो, आपने मतलब आपने बोला कि मैं अपने आप को लिमिट करूंगा। एक्चुअली ना मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं कि ना स्टार्टिंग बहुत रॉक सॉलिड होनी चाहिए किसी भी चीज को समझाने की और किसी भी चीज को स्टार्ट करने की। स्टार्टिंग बहुत खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर बहुत अच्छी हुई ना फिर बहुत सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। लगता है कि हाँ यार स्ट्रक्चर हमारा अच्छा खासा सॉलिड है, तो अब फिर आगे की चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपका स्ट्रक्चर एक बार सॉलिड हो जाए, एक एक चीज को हम पूरी तरीके से समझ तो लें कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो बेटा मैं थोड़ा सा फिर से एक 2 मिनट रिवाइज करना चाहूंगा। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, देखो एक एक करके बात करते हैं। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, मुझे डर लग रहा है मुझे पैसा मिलने वाला है, फॉरेन करेंसी मिलने वाला है, क्या डर होगा? डॉलर के गिरने का, मतलब फॉरेन करेंसी के गिरने का। मैं क्या करूंगा? उसके अगेंस्ट मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, उसी का उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करूं। मुझे डर लग रहा है गिरने का, तो मैं वैसा का वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लूंगा फॉरेन करेंसी के ऊपर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट नेचर का, लॉन्ग नेचर का नहीं शॉर्ट नेचर का, क्योंकि मुझे कौन सा डर है? मुझे गिरने का डर है, इसीलिए मैं गिरने का ही कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। वो कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही सेम यहां मुझे कौन सा डर है? रेट गिरने का डर है, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा करूंगा? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, गिरेगा तो जीतूंगा, तो लोहे को लोहा काटेगा। ठीक है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल मेरा हेज्ड आइटम था, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मेरा क्या बन गया? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। टू सेल शॉर्ट मतलब क्या? टू सेल, और लॉन्ग मतलब क्या? टू परचेज। फॉरेन करेंसी पेबल, फ्यूचर में मुझे पे करना है, फॉरेन करेंसी पे करना है, क्या डर है मेरे पास? मुझे डर लग रहा है कि फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ ना जाए, तो मैं क्या करूंगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, बढ़ने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मतलब लॉन्ग मतलब टू बाय, लॉन्ग मीन्स टू बाय, शॉर्ट मीन्स टू सेल। इक्विटी शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मेरे पास इक्विटी शेयर रखा है, क्या लगता है मुझे? इक्विटी शेयर रखा है मेरे पास इंफोसिस कंपनी का, इन्फोसिस कंपनी का इक्विटी शेयर रखा है, मुझे डर है कि रेट गिर ना जाए, रेट गिर ना जाए। मैं इक्विटी शेयर के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगा, मैं इन्फोसिस का ही फ्यूचर खरीद लूंगा, कौन सा? शॉर्ट, या मैं इन्फोसिस का ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगा, पुट। आई बात समझ में कि नहीं? मैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगा फ्यूचर में, या मैं ऑप्शन में मैं पुट कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगा इन्फोसिस के इक्विटी शेयर पर ही। मेरे पास कौन सा इक्विटी शेयर रखा है? इन्फोसिस का, तो मैं इन्फोसिस के ही फ्यूचर मार्केट में चला जाऊंगा, या इन्फोसिस के ही ऑप्शन मार्केट में चला जाऊंगा। मेरे पास शेयर रखा है इन्फोसिस का, और मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं बीएचईएल का, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, दोनों में कुछ लिंक तो होनी चाहिए ना, तभी आप अपने आप को सेफ कर पाओगे। इन्वेंट्री का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का है तो मैं कमोडिटी मार्केट में चला गया गोल्ड, गोल्ड की ट्रेडिंग करने। फोरकास्ट ट्रांजेक्शन, फोरकास्ट जो ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज सेल कर लूंगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की। आई बात समझ में? तो अब आगे बात करते हैं पेज नंबर 20 में, जो हम आगे बात कर रहे थे। देखिए छोटा सा एक पॉइंट लिखा है मैंने, देयर मस्ट बी अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ हेजिंग इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? आपने डॉक्यूमेंट बना के रखा है कि हाँ आपके पास हेज आइटम है, उसके अगेंस्ट आपने हेज इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, हेज इंस्ट्रूमेंट खरीदने के डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपने प्रॉपर एक लिंक बना के आपने उसका फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, सो दैट उसका हेज अकाउंटिंग हम कर सके। तो हेज अकाउंटिंग करने के लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। अब बेटा आते हैं मुद्दे की बात पे, फाइनली अकाउंटिंग पे। मैंने आपको समझा दिया हेज्ड आइटम की भी कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की जाएगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब हेज अकाउंटिंग समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि एंटिटी ने कौन सा हेजिंग किया है, किस प्रकार का हेजिंग किया है, हेजिंग किस प्रकार का किया है। हेजिंग ये जो जितने मैंने आपको हेज्ड आइटम बताया ना, उनके अगेंस्ट मैंने बताया कि क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, किस प्रकार का हेजिंग किया है, यहीं से अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हेज अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ हेज समझना पड़ेगा। एक होता है फेयर वैल्यू हेज, क्या होता है? फेयर
फेयर वैल्यू हेज, एक होता है कैश फ्लो हेज, क्या होता है कैश फ्लो हेज, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट इन एफओ, फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन, हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। ये तीन प्रकार की हेजिंग होती है, टाइप्स ऑफ हेज, टाइप्स ऑफ हेज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस के लिए तीन प्रकार की हेज होता है, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज और हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया हेजिंग करने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, क्या क्या, हेज्ड आइटम और दूसरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। फेयर वैल्यू हेज की बात करते हैं, फेयर वैल्यू हेज के लिए देयर मस्ट बी रिकग्नाइज्ड, 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 रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम। सर रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम मतलब जिस आइटम में आपको रिस्क लग रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी बुक्स में पहले से ही शो होना चाहिए, ऑलरेडी इट शुड बी रिकग्नाइज्ड इन योर बुक्स, देयर मस्ट बी रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम, रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम आपके बुक्स में वो पहले से ही शो होना चाहिए। मैं आपको इनमें से एग्जाम्पल बताता हूं, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, क्या आपकी बुक्स में दिख रहे होंगे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, यस, फॉरेन डेटर्स दिख रहे होंगे कि नहीं, तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी पेबल आर कवर्ड अंडर फेयर वैल्यू हेज। अगर आप इनके ऊपर हेजिंग करोगे तो वो फेयर वैल्यू हेज में आएंगे, क्योंकि ये जो हेज आइटम है ये कहीं ना कहीं आपके बुक्स में शो हो रहे होंगे। इक्विटी शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपकी बुक्स में शो हो रहे होंगे तो वो यहां पर आएगा, इन्वेंट्री आपकी बुक्स में शो हो रहा होगा आप आएगा, बट फोरकास्ट ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन आप फ्यूचर में करने वाले हो, वो ट्रांजेक्शन मैंने एग्जाम्पल दिया था, बच्चे पास हो जाएंगे तो मैं उनको ट्रिप पे ले जाऊंगा अमेरिका में, फ्यूचर में खर्चा होगा, तो बेटा आज मेरी बुक्स में कुछ है क्या, कोई मैंने लाइबिलिटी बना के रखी है कि मुझे ले जाना है, हाँ कोई लाइबिलिटी नहीं बना के रखी, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो फोरकास्ट ट्रांजेक्शन इज नॉट अ रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम, इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स, रिकग्नाइज्ड का मतलब रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स मतलब मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूं, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, सो देयर मस्ट बी रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम, आई बात समझ में कि नहीं, रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम, देयर मस्ट बी रिकग्नाइज्ड हेज्ड आइटम। अब करना क्या है, करना क्या है, पूरी अकाउंटिंग, पूरा अकाउंटिंग जो है पूरा पूरा का पूरा अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, इंटायर हेज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू। वो तो आपको दिख ही गया होगा, जब से मैंने इंड एस 109 उठाना शुरू किया है सारी चीजें फेयर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो फेयर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो आप देखो ध्यान से क्या करना है, एक हाथ में आपके हेज्ड आइटम होगा जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा होगा, और दूसरे हाथ में आपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको क्या करना है, बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट डेट पर इसको फेयर वैल्यू करना है और इसको भी फेयर वैल्यू करना है, बैलेंस शीट डेट पर इसको फेयर वैल्यू करना है और इसको भी फेयर वैल्यू करना है। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है मेरे पास, मुझे फॉरेन करेंसी में पैसा मिलेगा, आज मेरी बुक्स में फॉरेन डेटर्स दिख रहे होंगे कि नहीं, यस, फ्यूचर में मुझे पैसा फॉरेन करेंसी में मिलेगा, मैं क्या करूंगा, मुझे डर किस चीज का होगा, डॉलर के गिरने का डर होगा, तो मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा खरीदूंगा, मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा शॉर्ट फॉरवर्ड, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड करूंगा, फ्यूचर हमेशा शेयर्स ऑप्शंस वगैरह पे, सॉरी शेयर्स वगैरह पे होता है, फॉरेन करेंसी में फॉरवर्ड बोला जाता है, तो मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा फॉरवर्ड, पर कौन सा शॉर्ट का, शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे गिरने का डर लग रहा है तो मैं गिरने वाला ही कॉन्ट्रैक्ट
लगाऊंगा रेट। आई बात समझ में कि नहीं, मैं गिरने वाला ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इतना क्लियर है कि नहीं। अब देखो बैलेंस शीट डेट आई, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने पहले दिन सेल किया, मैंने पहले दिन सेल किया, मैंने रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, और जैसे ही मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया मुझे डर लग रहा है, और इस क्योंकि मुझे डर लग रहा है तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। आपको मैंने जब फ्यूचर पढ़ाया था, फॉरवर्ड पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि डे वन अकाउंटिंग कुछ भी नहीं होती है, इनिशियली डे वन अकाउंटिंग कुछ भी नहीं होती, इनिशियल मार्जिन बस पे करना पड़ता है। तो फॉरवर्ड में अगर इनिशियल मार्जिन भी पे नहीं किया तो डे वन अकाउंटिंग हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कुछ भी नहीं होगी। हमेशा डेरिवेटिव अकाउंटिंग कब आती है, बैलेंस शीट डेट पर, हमेशा कब आती है, बैलेंस शीट डेट पर। आई बात समझ में। अब देखो जो आपके फॉरेन डेटर्स दिख रहे हैं उसको आप बैलेंस शीट डेट पर, क्लोजिंग रेट पर, AS 11 भी आपका यही कहता है क्लोजिंग रेट पर, मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पर चेंज करो, क्लोजिंग रेट पर चेंज करोगे, सपोज आपको जो डर लग रहा था वही हुआ, बैलेंस शीट डेट पर डॉलर के रेट गिर गए, बैलेंस शीट डेट पर डॉलर के रेट गिर गए, तो यहां आपको एक्सचेंज लॉस आएगा, एक्सचेंज लॉस आएगा। बोलो बेटा एक्सचेंज लॉस आएगा कि नहीं आएगा, और उस एक्सचेंज लॉस को हम कहां लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आया, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मेरा कौन सा था, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब गिरेगा तो जीतूंगा, गिरेगा तो जीतूंगा। तो बताओ फॉरेन करेंसी रेट गिर गया, सही में फॉरेन करेंसी का रेट गिर गया, गिर गया तो यहां मुझे गेन हो रहा है, यहां मुझे गेन हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, फेयर वैल्यू गेन, याद है फेयर वैल्यू गेन, और उस फेयर वैल्यू गेन को मैं रिकॉर्ड करूंगा थ्रू पीएनएल। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बैलेंस शीट डेट पर आप अपने हेज्ड आइटम को भी फेयर वैल्यू करो, अपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी फेयर वैल्यू करो, और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस करो। इससे क्या होगा, दोनों की दोनों चीजें, यहां से लॉस और यहां से गेन, या यहां से गेन यहां से लॉस, जाके किस में नेट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और आपकी हेजिंग दिख जाएगी कि यस योर हेजिंग इज इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब सही में जो आपने हेजिंग किया उससे आपको इफेक्टिवनेस दिखा कि यस आपका हेजिंग करने का जो इरादा था वो ठीक था। तो जो फेयर वैल्यू हेज होता है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद रखोगे बेटा, जब भी फेयर वैल्यू हेज आएगा तो फेयर वैल्यू हेज में एक हेज्ड आइटम को जो कि आपका ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, और एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपने कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया होगा, दोनों को मुझे बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू करना है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। एक में नुकसान होगा, एक में लॉस होगा, सॉरी एक में नुकसान होगा और एक में प्रॉफिट होगा, और दोनों चीजें कहां जाएंगी, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो नेट दिखेगा आपके पीएनएल में, नेट गेन और नेट लॉस। क्लियर हुआ कि नहीं, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू हेज। अभी मैं आपको एक फेयर वैल्यू हेज का क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये फेयर वैल्यू हेज किस तरीके से बनता है। मैं आपको फेयर वैल्यू हेज का एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो अपने नोट्स में है, और एक ऐसा एग्जाम्पल भी करवाऊंगा जो अपने नोट्स में नहीं है, पर मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। ये होता है फेयर वैल्यू हेज। क्लियर, एक काम करते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन की, फेयर वैल्यू हेज की, तो फेयर वैल्यू हेज का क्वेश्चन कर ही लेते हैं। आ जाओ आप पेज नंबर 21 पे, और पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 18 करके होगा, पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 18 करके होगा, क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। आई थिंक ये सब चीजें आपने नोट कर ली होंगी, तो मैं बिना बोले बिना बताए मिटा रहा हूं, बिना पूछे मिटा रहा हूं। ऑन 24th जैन 2006 चिन्ना स्वामी ऑफ चेन्नई सोल्ड गुड्स टू वॉटसन ऑफ वॉशिंगटन। शायद ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ध्यान आ रहा हो कि यार ऐसा क्वेश्चन शायद आईपीसीसी में देखा था। ये क्वेश्चन बेसिकली आईपीसीसी का है, बट आईपीसीसी में हमने कभी हेज अकाउंटिंग नहीं की प्रॉपरली। AS 11 हमें पता था कि हेज अकाउंटिंग क्या होती है, बट वो हेज अकाउंटिंग अब ये वाली हेज अकाउंटिंग से बहुत ही अलग है। ऑन 24th जैन 2006 चिन्ना स्वामी ऑफ चेन्नई सोल्ड गुड्स टू वॉशिंगटन टू वॉटसन ऑफ वॉशिंगटन यूएसए फॉर एन इनवॉइस प्राइस ऑफ $40,000 व्हेन द स्पॉट रेट वॉज 44.2 पर डॉलर। 24th जैन को हमने सेल किया, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स यहां पर कौन है, वॉटसन, टू सेल अकाउंट कितना करेंसी 40,000, कितने में नोट रिकॉर्ड किया 44.2,
सर 44.2 पे रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि AS11 कहता है जब भी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगा तो इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करो। कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 17,68,000। निकाल लो भाई 17,68,000। सर क्या अपन ने ये डेरिवेटिव अकाउंटिंग की? नहीं। क्या ये अपन ने हेज अकाउंटिंग किया? नहीं। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया AS11 का। आगे पेमेंट वॉज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 मंथ्स। पेमेंट 3 महीने बाद मिलेगा। रिसीवेबल ऑन 24th अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। तो बताओ रिस्क है कि नहीं? किस चीज का? रिस्क ऑफ चेंज इन फॉरेन करेंसी, रिस्क ऑफ डिक्रीज इन डॉलर, डॉलर में गिरने, डॉलर के गिरने के रिस्क हैं, डॉलर के गिरने के रिस्क हैं। बताओ अगर डॉलर के गिरने के रिस्क हैं तो मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है सेल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पेमेंट वॉस, ये तो हो गया। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम डिक्लाइन इन द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, चिन्ना स्वामी इमीडिएटली एक्वायर्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल मतलब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। इमीडिएटली एक्वायर्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑन 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को वो बेचेगा $40,000, 43.7। देखो 24 जनवरी पे एक्वायर्ड शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 43.7। ये 43.7 को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रेट। चिन्ना स्वामी क्लोज, अच्छा एक सेकेंड, 24 जनवरी को एक्वायर किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नो एंट्री, कुछ भी एंट्री नहीं, बिकॉज 24 जैन को ही ये खरीदा है और 24 जैन को ही इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 43.7 ही है, तो नो फेयर वैल्यू, नो फेयर वैल्यू, देयरफॉर नो एंट्री। अब आते हैं, चिन्ना स्वामी क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट डेट आ गई रे, आ गई बैलेंस शीट डेट, आ गई बैलेंस शीट डेट। बताओ बेटा बैलेंस शीट डेट पर मेरे पास ये दो चीजें हैं कि नहीं? मेरे पास हेज्ड आइटम है कि नहीं? यस, माय डेटर्स फॉर मी आर हेज्ड आइटम बिकॉज आई हैव सम सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क अटैच्ड टू द डेटर्स। क्या रिस्क है? मुझे पैसा कम मिल सकता है, तो माय डेटर्स आर हेज्ड आइटम। एंड टेल मी व्हाट इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज दिस शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो ये हेज्ड आइटम है क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। दोनों को क्या करेंगे? फेयर वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे। सबसे पहले डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स को आपने किस पे बुक किया? 44.2 पे बुक किया। डेटर्स को आपने कितने पे बुक किया रे? 44.2 पे बुक किया, जबकि बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट डेट पर एक्सचेंज रेट क्या हो गया भाई? $1 इज इक्वल टू 43.2, मतलब आज इसकी फेयर वैल्यू 43.2 है, जबकि मैंने रिकॉर्ड कितने पे किया है? 44.2 पे। तो मुझे करना चाहिए एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने से गिर गया? 1 रुपए से गिर गया, इंटू $40,000, मतलब ₹40,000 का नुकसान। ये बात आपको AS11 भी कंफर्म करता है। AS11 बोलता है फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, मस्ट बी सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज्ड एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। याद है कि नहीं? और यही बात इंड AS 109 अभी भी कह रहा है कि उसको क्या करो? फेयर वैल्यू करो थ्रू पी एंड एल।
तो एक्सचेंज लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एक्सचेंज लॉस 40,000। एक और बात, अब आते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर। क्या हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है? हाँ जी, शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कितने पे किया था? 43.7। 43.7 पे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि रेट गिरेगा। सोचो शॉर्ट मतलब क्या, गिरने पर जीत होगी। तो देखें क्या हो गया, रेट रेट अपने अपने सामने है। रेट भाई 43.2, यस 43.2, जबकि रेट 43.7 पे मैंने बुक किया था। 43.2 हो गया, 43.2 हो गया, 43.2 आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा। सर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है कि नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? आपको मैं सही बताऊं, ये जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मेरे एग्जाम्पल मतलब इस क्वेश्चन में ये जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, ये नॉन डेरिवेटिव है। सर मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मे बी अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यहां स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में एक्वायरिंग अ शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डेरिवेटिव। क्यों सर? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आपको याद होगा फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, यहां एक्चुअली में मुझे फिजिकल डिलीवरी करनी है। जैसे ही मुझे वॉटसन से फॉरेन करेंसी मिलेगा, मैं वो फॉरेन करेंसी फिजिकली सेल कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, सेल कर दूंगा। कितने पे? 43.7 पे ही सेल कर दूंगा बैंक को जाके। सो दिस इज अ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगले एग्जाम्पल में बात करेंगे। तो ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का भी फेयर वैल्यू होगा। कैसे फेयर वैल्यू होगा बेटा? 43.7 पे मैंने बुक किया था, आज रेट हो गया 43.2, फायदा हो गया। फायदा सोचो रे, फायदा शॉर्ट है ये, लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग नहीं है। आपने बोला था रेट गिरेगा और सही में देखो रेट गिर गया। देखो मैंने बुक कर लिया था 43.7 पे, आज मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूं। अरे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं अपने को। 43.2 हो जाए, 43 हो जाए, 42 हो जाए, 41 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो फायदे में, क्योंकि मैंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो एंट्री होगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन पी एंड एल। कितना? 43.7 से 43.2 हो गया 0.5 इंटू $40,000, दैट इज 20,000। और इस फेयर वैल्यू गेन को कहां डालेंगे? फेयर वैल्यू गेन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में लॉस गया 40,000 का, प्रॉफिट गया 20,000 का, नेट सेटल करोगे तो नेट आपको डिफरेंस दिखेगा 20,000 का नुकसान। कैसे सर? आप उसको समराइज करो कि 20,000 का नेट नुकसान कैसे हुआ आखिर। 44.2 पे आपने बुक किया था अपना रिसीवेबल, ठीक है, 44.2 पे बुक किया था, क्योंकि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है टू सेल द फॉरेन करेंसी एट 43.7। That means, जैसे ही आपने हेजिंग करवा ली आपने अपना नुकसान फिक्स कर लिया। 44.2 से 43.7 मतलब 0.5 का नुकसान आपने फिक्स कर लिया। अब दुनिया इधर की उधर हिल जाए, करेंसी जितनी बढ़नी हो बढ़ जाए, करेंसी जितनी गिरनी हो गिर जाए, आपका नुकसान फिक्स है, आपका लॉस फिक्स है अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे तो। अगर कैंसिल करोगे तो वो अलग बात है, अगर जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे आपका नुकसान फिक्स है। कितना? 0.5, 0.5 इंटू 40,000 कितना? 20,000। तो 20,000 का नेट इफेक्ट पीएनएल में दिख रहा है। आई बस उनमें, अगर ये रेट बढ़ जाता 44.2 से ज्यादा हो जाता तो इधर मेरे डेटर्स में से एक्सचेंज गेन आता और यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में से फेयर वैल्यू लॉस आता, तो भी मेरा नेट इफेक्ट पीएनएल में दिखता, ठीक। चलिए लास्ट क्या लिखा हुआ है। ऑन 24th अप्रैल 2006 द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी बाय चिन्ना स्वामी द स्पॉट रेट वॉज 42.7। 24 अप्रैल स्पॉट रेट 42.7। आपको एक बात बताऊं, मुझे 42.7 के स्पॉट रेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मुझे वॉटसन से फॉरेन करेंसी मिल गई मैं वो फॉरेन करेंसी लेके किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। और बैंक मुझे कितने में एक्सचेंज करके देगा? 43.7। तो मुझे जो पैसा मिलेगा बैंक मतलब इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी जो मुझे मिलेगा वो 43.7 के हिसाब से रियलाइज होगा बेटा।
ठीक है, टू डेटर्स क्या होंगे बताओ, टू डेटर्स, आपके डेटर्स कितने से जाएंगे? 1768 पे आपके डेटर्स डेबिट खड़े थे, आपने 31 मार्च को डेटर्स क्लो डाउन किया 40,000 से, तो 1768 माइनस 40, तो ये हो गया 1768 माइनस 40, 1728, ठीक है, इसको करो कितना हो रहा है 43.7 को, ये हो रहा है 1748, एंड टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का था आपका फाइनेंशियल असेट? 20,000, खत्म हो गया क्योंकि आपने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर लिया, सेटलमेंट, सेटलमेंट फाइनेंशियल असेट कितना, सॉरी 20,000, समझ आएगी नहीं, ध्यान से देखो एंट्री टैली हो रहा है रे, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको फॉरेन करेंसी मिला पर आपने फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी में बुक कर लिया और 17,48,000 मिल गया, 43.7 आपका फिक्स रेट था, तय था आपको इतना ही मिलेगा, डेटर्स आपका चला गया और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी आपका असेट चला गया, एंट्री बुक हो रहा है, लॉस वॉस कुछ भी नहीं यहां पर क्योंकि जितना भी लॉस प्रॉफिट था वो ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे बुक हो चुका है। सो गाइज दिस इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ फेयर वैल्यू हेज, कौन सा एग्जाम्पल? फेयर वैल्यू हेज, याद रखो ये हो गई आपकी फेयर वैल्यू हेज, ठीक। फेयर वैल्यू हेज का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट फेयर वैल्यू हेज को हम पूरी तरीके से खत्म कर दें। फेयर वैल्यू हेज में दो चीजें, हेज्ड आइटम मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखना चाहिए, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक हेज्ड आइटम दिखना चाहिए और दूसरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, दोनों को मैं बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू करूंगा, FVTPL करूंगा, तो दोनों का गेन लॉस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख जाएगा, इससे ये दिखेगा कि मेरा हेज इफेक्टिव है, ठीक। एक और एग्जांपल करेंगे अपन फेयर वैल्यू हेज का, उसके बाद अपन चलेंगे बाकी के दो बचे हुए हेजिंग पर जैसे कैश फ्लो हेज और नेट इन्वेस्टमेंट हेज। कैश फ्लो हेज, नेट इन्वेस्टमेंट हेज जैसे ही अपना खत्म हो जाएगा अपनी हेज अकाउंटिंग भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लो, अगर नोट कर लिया तो मैं बिठा देता हूँ, उसका जो अपने बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक आध क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है इंस्टीट्यूट का ही, एक शायद स्क्रीनशॉट बचा हुआ है वो मुझे करवाना है और एक RTP का क्वेश्चन करवाना है, ये दो क्वेश्चन बचे होंगे तो आई विल डिस्कस दीज टू क्वेश्चन एंड वाइंड अप ऑल द थिंग्स। चले मैंने अभी आपको कैश फ्लो हेज, नेट इन्वेस्टमेंट हेज के बारे में कुछ नहीं बताया, अभी हम फेयर वैल्यू हेज की बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू हेज की बात कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट अप्रैल सिंपली एक बात ले लेते हैं, टुडे एज ऑन 1 अप्रैल आई हैव इक्विटी शेयर ऑफ इंफोसिस, आई हैव, मेरे पास है, आई हैव इक्विटी शेयर ऑफ इंफोसिस, डेफिनेटली ये इक्विटी शेयर ऑफ इंफोसिस मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में दिख रहा होगा, इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। अच्छा, मार्केट वैल्यू टुडे इसका दिख रहा है, लेट अस से 1800, मार्केट वैल्यू कितना है 1800 टुडे, आई हैव फियर दैट
द प्राइस मे फॉल। मुझे डर लगता है कि प्राइस गिर ना जाए, इसके प्राइस गिर ना जाए, मुझे ऐसा डर लगता है प्राइस मे फॉल। देयरफोर आई एंटर्ड इनटू, आई एंटर्ड इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स आई बॉट शॉर्ट फ्यूचर्स ऑफ इंफोसिस। मैंने इंफोसिस कंपनी के ही शॉर्ट फ्यूचर्स खरीद लिए। अच्छा एक सेकेंड, टुडे यूनिट्स मैंने आपको बताया नहीं, मेरे पास 100 शेयर्स रखे हैं। आई एंटर्ड इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस आई बॉट शॉर्ट फ्यूचर्स ऑफ इंफोसिस ऑफ 100 यूनिट्स। देखो जितनी क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी है मैंने उतनी क्वांटिटी के हिसाब से ही हेजिंग कर लिया। आई एंटर्ड इनटू माई सेल्फ इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस आई बॉट शॉर्ट फ्यूचर्स ऑफ इंफोसिस। शॉर्ट फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है? इफ प्राइस फॉल्स आई विल गेन, इफ राइज आई विल लूज। बोथ केसेस इन विदाउट फिजिकल डिलीवरी, दैट मीन्स कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी। जो अभी एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था वॉटसन वाला, उसमें मुझे फिजिकल डिलीवरी करनी पड़ रही थी, वॉटसन से मुझे फॉरेन करेंसी मिल रही थी, वो फॉरेन करेंसी खरीद मैंने लेके मैंने बेच दिया बैंक को, तो वो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था। ये बन गया मेरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, यहां मेरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। आई एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस आई बॉट शॉर्ट फ्यूचर्स ऑफ इंफोसिस ऑफ 100 यूनिट्स 2 months, ठीक है ना। 2 months मतलब अप्रैल मई, 31st मई की जो डेट होगी दैट इज माय सेटलमेंट डेट होगा। मान लीजिए मैं अपने बुक्स 30th अप्रैल को क्लोज करता हूं, मैं 30th अप्रैल को एक बैलेंस शीट बनाता हूं, बुक्स क्लोज करता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, आई एंटर्ड इन टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स आई बॉट शॉर्ट फ्यूचर्स ऑफ इन्फोसिस ऑफ 100 यूनिट्स 2 months। स्ट्राइक प्राइस, ऑब्वियसली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी अपना एक स्ट्राइक प्राइस होगा। सर स्ट्राइक प्राइस यही होगा 1800? नहीं बेटा, रियली शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है जैसे 1800, उसी शेयर का जो फ्यूचर वाला मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है, उसमें उसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अगर यहां पर प्राइस 1800 है तो उधर जो प्राइस होगा वो 1800 ना होके वो 1810, 1820, 1850 ऐसा करके हो सकता है। ये कौन सा मार्केट है? इक्विटी शेयर जाके खरीद लेना, इक्विटी शेयर जाके बेच लेना, ये है नॉन डेरिवेटिव मार्केट। डायरेक्टली अंडरलाइंग आइटम याद रहा, अंडरलाइंग आइटम। बट डेरिवेटिव मार्केट में जहां पर आप अंडरलाइंग के ऊपर पैसा नहीं लगाते हो, डेरिवेटिव के ऊपर पैसा लगाते हो, उस मार्केट में उसी इक्विटी शेयर का जो फ्यूचर का रेट होगा वो सेम 1800 नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है। तो स्ट्राइक प्राइस इज 1825, ठीक है। 34 को आ गए, 34 को मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नॉन डेरिवेटिव मार्केट, मतलब मैं फ्यूचर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई, मुझे क्या डर था प्राइस में फॉल, मार्केट वैल्यू हो गई 1750। अच्छा अब बताओ ये जो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था कितने महीने का था? 2 महीने का, 2 months, 2 months में कितने मंथ हो चुके? 1 month हो चुके। तो
ऑन 30th फोर वन मंथ, वन मंथ शॉर्ट फ्यूचर्स ऑन इंफोसिस सेल्स एट, अगर कोई व्यक्ति आज उसमें पैसा लगाना चाहे, आज इसमें पैसा लगाना चाहे, सेल्स एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1785, 1785। अब ये फ्यूचर मार्केट का इंफोसिस का रेट है 1785, दो महीने मतलब एक महीने पहले जब यहां पर बात की थी तो स्ट्राइक प्राइस कितनी थी 1825, दो महीने के हिसाब से मेरी वही चलेगी। बट अगर आज कोई नया व्यक्ति इसी फ्यूचर मार्केट में इंटर होना चाहे, इसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करना चाहे, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी रहेगी, क्योंकि उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट अब कितना रहेगा, वन मंथ, तो वन मंथ स्ट्राइक प्राइस रहेगी 1785 फॉर वन मंथ। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 30/4 मतलब मेरी बैलेंस शीट डेट पे दो चीजें करनी पड़ेंगी, दो, एक हेज्ड आइटम मतलब मेरा इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, उसको फेयर वैल्यू करना पड़ेगा। बताओ इक्विटी शेयर आज मेरा कितने पे शो हो रहा है, 1800 पे शो हो रहा था, मैं मान के चल रहा हूं मार्केट वैल्यू 1800 थी तो मेरी बुक्स में भी 1800 रुपए ही होगी। आज उस मार्केट में, आज मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई 1750, तो मतलब मुझे नुकसान हो रहा है, फेयर वैल्यू लॉस P&L टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कितना, 50 रुपए इंटू 100, 1800 से 1750 हो गया कितना, 5000 नुकसान। पर क्या सही में 5000 नुकसान हो रहा है, मैंने नुकसान थोड़ा बहुत बचा दिया, पूरा तो नहीं बचा पाया, थोड़ा बहुत बचा दिया। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है यहां पर, शॉर्ट फ्यूचर्स। देखो भाई शॉर्ट फ्यूचर्स का स्ट्राइक प्राइस कितना था 1825, आज ये प्राइस कितना हो चुका है 1785, तो सोचो आपका ऑलरेडी घट चुका है। आपने क्या लगाया था, इंफोसिस पे दाव लगाया था शॉर्ट, शॉर्ट मींस प्राइस गिरेगा तो फायदा होगा, पैसा मिलेगा, 1825 से 1875 हो गया। बोलो भाई कितना हो गया, 1825 से 1785 हो गया, दैट मींस 40 रुपीज का फायदा, फायदा हुआ 40 रुपीज का। तो डेरिवेटिव फ्यूचर्स फाइनेंशियल असेट डेबिट, 40 रुपीज का फायदा, 100 यूनिट्स पे ही पैसा लगाया था तो 4000 रुपए टू फेयर वैल्यू गेन 4000। अब ये फेयर वैल्यू लॉस कहां जाएगा, पीएनएल में, और फेयर वैल्यू गेन कहां जाएगा, पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस में 5000 का लॉस और गेन जाएगा 4000, नेट आपका 1000 का नेट लॉस दिखेगा ओवरऑल। मतलब जो नुकसान आपको 5000 का होने वाला था, आपने उस नुकसान को सीमित करके कितने में कर दिया, 1000 में कर दिया, हेजिंग करके। और हेजिंग आपने किस में की, आपने हेजिंग डेरिवेटिव मार्केट में किया। सो बेटा दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फेयर वैल्यू हेज, दिस इज नोन एज फेयर वैल्यू हेज, जहां पर आपने डेरिवेटिव मार्केट में पैसा लगाया। इससे पहले जो मैंने चिन्ना स्वामी वाला क्वेश्चन करवाया था वो भी एक फेयर वैल्यू हेज था, जहां पर आपने नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया था। सेटलमेंट डेट पे क्या करेंगे सर, सेटलमेंट डेट पे सेम, सेटलमेंट डेट पे क्या होगा, आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सेटल हो जाएगा, उस पर आपको नेट फायदा नुकसान होगा, वो भी पीएनएल में जाएगा, और यहां पर आप अगर बेच रहे हो शेयर को तो वहां पर आपको फायदा नुकसान हो जाएगा। क्लियर, मेन चीज होती है बैलेंस शीट अकाउंटिंग, मेन होता है बैलेंस शीट डेट अकाउंटिंग, बैलेंस शीट डेट पे क्या कर रहे हैं हमें वो समझना है। ठीक गाइस, फेयर वैल्यू हेज खत्म, कैश फ्लो हेज, इन्वेस्टमेंट हेज मतलब इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन हेज, और दो क्वेश्चंस बस ये बचा है, उसके बाद हम कंप्लीट कर चुके होंगे। इसको एक दो मिनट रिवाइज कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब बात करते हैं कैश फ्लो हेज। अब हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो हेज की। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने जब आपको फेयर वैल्यू हेज करवाया, उस वक्त मैंने आपको बताया कि मेरे पास रिकॉर्डेड हेज्ड आइटम होना चाहिए, उसी के अगेंस्ट मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा या एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। कैश फ्लो हेज में बेटा मेरे पास अनरिकॉर्डेड हेज्ड आइटम होगा। फॉर एग्जाम्पल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन और उसके अगेंस्ट मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा। सर कैसे? मतलब मैंने आपको फोरकास्ट ट्रांजेक्शन का एक एग्जाम्पल बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आप सभी बच्चों को जो जो पास हो जाएंगे मैं उनको ट्रिप पे ले जाऊंगा अगस्त मंथ में, अमेरिका ले जाऊंगा। ऐसा मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, बट यस मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए कि यार बच्चों को अमेरिका ट्रिप घुमाना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि मुझे एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ऑल दो वो कमिटेड नहीं है, बट ये है कि हाईली सर्टेन है कि वो ट्रांजेक्शन होगा। और क्योंकि वो ट्रांजेक्शन होगा, आज तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, अभी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्डेड नहीं है, बट फ्यूचर में वो ट्रांजेक्शन मुझे करना पड़ेगा। ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर लग रहा है। मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। मुझे एक पेमेंट करना है फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में, तो बताओ मुझे किस चीज का डर होगा? फियर। किस चीज का डर होगा? इंक्रीज ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के बढ़ने के डर होंगे मुझे, फॉरेन करेंसी का रेट का बढ़ने का डर होगा। अब मैं उस फॉरेन करेंसी के बढ़ने का डर अगर होगा तो मैं क्या करूं? मैं एक हेजिंग कर लेता हूं। हेज मैंने क्या किया? मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन डॉलर्स। डॉलर में मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया फ्यूचर में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मुझे डर है कि बढ़ ना जाए, प्राइस बढ़ ना जाए, तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज लॉन्ग। प्राइस के बढ़ने का डर है तो इसलिए मैंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लॉन्ग मींस दैट इज टू बाय। डॉलर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया। आई बात समझ में? तो ऐसे हेजिंग को बोला जाता है कौन सा हेजिंग? कैश फ्लो हेजिंग। कैश फ्लो हेजिंग आपको मैंने फेयर वैल्यू हेजिंग में बताया था कि हेज्ड आइटम को बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी फेयर वैल्यू करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएंगी और नेट इफेक्ट दिखेगा पीएनएल में। बट यहां एक तकलीफ है, यहां मेरे पास एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट तो है बट मेरे पास अभी जो ट्रांजेक्शन मैं जिस ट्रांजेक्शन का हेजिंग कर रहा हूं वो ट्रांजेक्शन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है। मतलब इस बार मेरे एक हाथ में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट तो है पर दूसरे हाथ में जिस चीज के ऊपर मैं हेजिंग कर रहा हूं वो दूसरे हाथ में मेरे पास रिकॉर्डेड वैल्यू नहीं है। मतलब मेरे पास सिर्फ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, मेरे पास सिर्फ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, हेज्ड आइटम है बट वो हेज्ड आइटम रिकॉर्डेड हेज आइटम नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट पे कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता। आई बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? कैश फ्लो हेज बोलता है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर लो, एफवीटी ओसीआई कर लो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मतलब जैसे अपन यहां बनाते थे ना, याद है आपको AS 11 कहता था फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बनाओ, तो ऐसे करके यहां पर जो भी आपका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट से प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको ओसीआई में डालना, मतलब ट्रांसलेशन रिजर्व के थ्रू। आई बात समझ में कि नहीं? या फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को एक अकाउंट बोल सकते हो आप, कैश फ्लो हेज रिजर्व।
कहीं ना कहीं ये ओसीआई के थ्रू बनेगा, और मैं जब जब फेयर वैल्यू करूंगा वो मैं किस में डाल दूंगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व में, एफवीटी ओसीआई में, कैश फ्लो हेज रिजर्व में। आई बात समझ में कि नहीं? फिर जब सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट, सेटलमेंट डेट, जब मैं इस ट्रांजैक्शन को सेटल करूंगा, मतलब जब मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को सेटल करूंगा, सो दैट मैं वो फोरकास्ट ट्रांजैक्शन जो सोचा था उस ट्रांजैक्शन को कर पाऊं, तो सेटलमेंट डेट पर ओसीआई में डाला गया क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव गेन ऑब्लिक लॉस अंडर ओसीआई शैल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो गेन या लॉस रखा हुआ था ओसीआई में, जो मैंने आज तक ओसीआई में डाला था, उस ओसीआई को वापस से डेबिट कर दूंगा या वापस से क्रेडिट कर दूंगा। मतलब अगर मैंने पहले मान लीजिए गेन हुआ था तो मैंने ओसीआई में क्रेडिट किया था, तो अब मैं डेबिट कर दूंगा। पहले मुझे लॉस हुआ था तो मैंने ओसीआई को डेबिट किया था। बात समझ में आ रही कि नहीं? मुझे लॉस हुआ था तो मैंने ओसीआई को डेबिट किया था, अब मैं क्रेडिट कर दूंगा और वो पूरा उठा के किस में डाल दूंगा, पीएनएल में, बशर्ते सेटलमेंट डेट आ चुकी हो और वो जो फोरकास्ट ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन अकर हो चुका हो। सेटलमेंट डेट एंड ऑन अकरेंस ऑफ सच फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? उस फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन का कंप्लीट होने के बाद जो भी क्यूमुलेटिव मेरा गेन या लॉस होगा ओसीआई का, उसको रिसाइकिल करके, रिसाइकिल मतलब ओसीआई से उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सो दिस इज नोन एज कैश फ्लो हेजिंग। कैश फ्लो हेजिंग में क्या करना है, कैश फ्लो हेजिंग में फ्यूचर फोरकास्ट ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने एक आज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेस कर लिया है। मेरे पास रिस्क किसमें है, मुझे उस फोरकास्ट ट्रांजैक्शन में रिस्क लग रहा है, इसलिए आज मैंने एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेस किया है। मेरे पास एट प्रेजेंट कोई भी हेज्ड आइटम मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रहा है। बैलेंस शीट डेट पे उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू करूंगा, फेयर वैल्यू करके जो भी गेन और लॉस होगा वो मैं ओसीआई में बुक करूंगा। जब फाइनली वो फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन अकर हो जाएगा और जब मैं इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को सेटल कर लूंगा, ऑब्वियसली फोरकास्टेड ट्रांजेक्शन अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली मुझे इसको सेटल करना ही पड़ेगा। तो ये जब हो जाएगा कंप्लीट ट्रांजेक्शन, तो जितना भी गेन और लॉस मैंने ओसीए में बुक किया था उसको वापस से कहां लेके आना पड़ेगा, उसको मुझे पीएनएल में लेके आना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सो करना कुछ नहीं है, जब ये एंट्री करेंगे, जब यहां पर एक एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसी होगी, अगर फेवरेबल पोजिशन हुई तो एंट्री होगी फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू फेयर वैल्यू गेन ब्रैकेट में ओसीआई, ठीक है, या फेयर वैल्यू गेन, या फिर बोलूंगा कैश फ्लो हेज रिजर्व। अनफेवरेबल पोजीशन में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये मैं बैलेंस शीट डेट पे एंट्री करूंगा। अच्छा जी, फिर इसको रिसाइकिल होने की क्या एंट्री करेंगे, रिसाइकिल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिसाइकिल टू प्रॉफिट एंड लॉस में बोलेंगे ओसीआई डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो ये ओसीआई में बुक किया होगा उसको डेबिट करके पीएनएल में रिसाइकिल करके ले जाएंगे। आई बात समझ में? ओसीआई से रिसाइकिल करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ओसीआई से डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। आपको ओसीआई के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, डे वन से लेकर एएस एनडीएस जब से मैंने शुरू किया है ओसीआई के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि ओसीआई में क्या क्या चीजें जाती हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व जाता है एएस 10 वाला ओसीआई में, उसके बाद एएस 15 में हमने पढ़ा था एक्चुअरियल गेन और एक्चुअरियल लॉस इंडीएस 19 वाला, वो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, जैसे ये ओसीआई वाला फंडा हो गया तो ओसीआई में अभी जाता है। हमने इंडेस 109 में ही पढ़ा था एफवीटी ओसीआई में, एक कैटेगरी ऐसी होती है फाइनेंशियल असेट्स की एफवीटी ओसीआई, वहां पर बुक होता है ओसीआई का, ठीक है। एएस 11 के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उससे जब मैं आपको उसका इंडेस करवाऊंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि ओसीआई में तब तब भी चीजें जाती हैं। तो ओसीआई की ना मैं आपको एक लिस्ट बना के देने वाला हूं, सबसे आखिरी क्लास में मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा ओसीआई में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, कौन कौन से आइटम्स जाते हैं एज पर डिफरेंट डिफरेंट इंडेस, ताकि एक समरी आपको पता रहे कि हाँ अगर आपसे मान लीजिए कभी एक क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का कि ऐसे इंडेस के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो ओसीआई में दिखते हैं,
उनका आंसर आप फटाक से देख सको। ठीक है, चलिए तो ये तो अपना क्लियर हो गया। कैश फ्लो हेज, कैश फ्लो हेज में एक पर्टिकुलर क्लियर हो गया। ट्रांजैक्शन जब फॉरेन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जब फाइनली हो जाएगा अगर, तो हमें ओसीआई से ट्रांसफर करके पीएनएल में ले जाना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर है इस चीज को? अब हम बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट हेजिंग, नेट इन्वेस्टमेंट हेजिंग या नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, ऐसे करके बोलते हैं उसको, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन इस पॉइंट का रेलेवेंस, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, यहां पर फॉरेन ऑपरेशन का मतलब है सब्सिडरी कंपनी। तो हम यह कह सकते हैं कि फॉरेन सब्सिडरी की बात करनी है अपने को यहां पर, हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडरी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा एक होल्डिंग कंपनी होता है, उसकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी करके शो होता है, और एक सब्सिडरी कंपनी होता है और उसके कई सारे नेट असेट्स होते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। फिर हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है होल्डिंग कंपनी का ही। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये यहां नहीं शो होता है, उसके बदले असेट्स सब्सिडरी के असेट्स शो हो जाते हैं और सब्सिडरी के लाइबिलिटीज शो हो जाते हैं, और अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको हम एनसीआई कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई, वैसे करके शो हो जाता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? सो अब हम यहां पर हेजिंग की बात कर रहे हैं एक तो, और किसकी हेजिंग की बात कर रहे हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन की हेजिंग की बात कर रहे हैं। बेसिक फंडे से मत उलझना, बेसिक फंडा अभी भी वही है। हेजिंग में दो चीजें चाहिए होता है, एक तो हेज्ड आइटम, एक तो हेज्ड आइटम जिसके ऊपर रिस्क है, जिसके ऊपर रिस्क ऑफ लॉस है, जिसको हम बचाना चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेज किया। हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन में हमारा हेज्ड आइटम क्या हो सकता है, हमारा हेज्ड आइटम क्या हो सकता है, दो तरीके से सिचुएशन बन सकती है। पहली बात, ये जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी, ये जो इन्वेस्टमेंट दिख सकता है, ये मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी, इस इन्वेस्टमेंट को ही मैं बोल सकता हूं दिस इज माय हेज्ड आइटम। मतलब मुझे डर लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए, क्यों, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट फॉरेन सब्सिडरी में है, और फॉरेन सब्सिडरी में है तो मैंने फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे डर लग रहा है फॉरेन करेंसी के रेट्स गिर ना जाएं। मेरी अगर फॉरेन करेंसी के रेट्स गिर गए तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी तो अल्टीमेटली मेरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब नेट असेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? सो यहां पर मुझे सबसे बड़ा डर लग रहा है कि मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बदलाव ना हो। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? एक दूसरा और चीज हो सकता है, हम उसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। आपको सबको अच्छे से पता है AS 11 फॉरेन ऑपरेशंस के बारे में भी बात करता है, फॉरेन ऑपरेशंस, और AS 11 बोलता है फॉरेन ऑपरेशंस दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल।
आपको पता है जो सब्सिडी होती है हमारी फॉरेन ऑपरेशन की, उसको हमेशा नॉन इंटीग्रल कैटेगरी में रखा जाता है। सब्सिडी को ऑलवेज नॉन इंटीग्रल कैटेगरी में रखा जाता है, इंटीग्रल कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। जब आपने कभी कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस भी किए हों, अगर आपने मुझसे ही पढ़ा है कंसोलिडेशन, तो मैंने करवाया था एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन फॉरेन सब्सिडी वाला। तो फॉरेन सब्सिडी के केस में क्या होता है, जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो फॉरेन सब्सिडी के सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर, हमें क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके लेके आना पड़ता है, और जो भी डिफरेंस आता है हम उसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाते हैं, हम उसको पीएनएल में बुक नहीं करते एक्सचेंज डिफरेंस को। सो मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं कि नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन अगर सब्सिडी को माना जाता है हमेशा, और उस नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन के ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो हम कहां ले जाते हैं, एफ सी टी आर। तो बेटा एफ सी टी आर भी तो एक तरीके से ओसीआई हुआ, अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम हुआ, क्योंकि वो पीएनएल में तो जा नहीं रहे। तो बस यहां पर आपको वैसा ही कुछ करना है। यहां पर क्या है, आप इसको फेयर वैल्यू हेज के साथ थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हो। फेयर वैल्यू हेज में हमारे पास जो हेज्ड आइटम था उसको हम एफबीटी पीएल कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका गेन लॉस डाल रहे थे, और जो हमारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था उसको भी हम एफ वी टी पी एल कर रहे थे और पी एंडल में डाल रहे थे। तो यहां का लॉस और यहां का गेन आपस में नेट हो जाता था, और नेट पी एंडल में इफेक्ट अपने आप इफेक्टिव इफेक्ट दिखता था। यहां पर सेम फेयर वैल्यू हेज की तरह दो चीजें हैं, एक तो हेज्ड आइटम जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट इन इन द शेयर्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी है। वो जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी है, जब ये इन्वेस्टमेंट को मैं कंसीडर करके कंसोलिडेशन क्रिएट करता हूं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता हूं, तो इन्वेस्टमेंट की जगह पे हमें क्या दिखाना पड़ता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। याद करो, हमें बनाना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह वगैरह चीजें बनानी पड़ती हैं। फिर हम इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करके हम किस में ले जाते हैं, असेट्स लाइबिलिटीज और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती है, क्योंकि जो मेरा इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन सब्सिडरी है वो किस नेचर का है, नॉन इंटीग्रल नेचर का है, तो अब यहां पर मुझे बैलेंस शीट डेट पे इसको फेयर वैल्यू करना पड़ेगा थ्रू ओसीआई। ओसीआई इसलिए क्योंकि एएस 11 भी बोलता है कि वो आपकी जो सब्सिडरी है वो सब्सिडरी नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है, जब तक आप उसको फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कर लेते तब तक का प्रॉफिट या लॉस आपका अनरियलाइज नेचर का है, और उसको कहां डालना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। जिस दिन आप अपनी सब्सिडरी को बेच दोगे तो जितना भी एक्यूमुलेटेड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व होगा आपको उसको वापस से पीएनएल में ले आना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही फंडा, अगर आपका हेज्ड आइटम रिस्की है तो उसको बैलेंस शीट डेट पर एफवीटी ओसीआई करो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई करो, और आपने हेज्ड आइटम के अगेंस्ट जो भी आपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट लेके रखा है, वेदर सच इंस्ट्रूमेंट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों को मतलब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस शीट पर एफ वी टी ओ सी आई करोगे। फेयर वैल्यू हेज में क्या था, एफ वी टी पी एल, एफ वी टी पी एल। वैसे ही हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट फॉरेन ऑपरेशन क्या है, एफ वी टी ओ सी आई, एफ वी टी ओ सी आई। इसको भी आप एफ वी टी ओ सी आई करोगे, ये भी ओ सी आई में जाएगा, ये भी ओ सी आई में जाएगा, दोनों ओ सी आई ओ सी आई में टेम्पररी रखे रहेंगे, टेम्पररी पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए ये ओ सी आई में रखे रहेंगे। कब तक, जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता। ऑन डिस्पोजल, सर डिस्पोजल मतलब जब आप इस सब्सिडरी कंपनी को बेच दोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे। सर पागल है क्या, सब्सिडरी कंपनी को मान लो मैं डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहता हूं, यही तो बात है। जब आपका इंटेंशन ही नहीं है डिस्पोज ऑफ करने का, तो आपको ये जो फॉरेन करेंसी में के कारण जो भी आपको फ्लक्चुएशन के गेन और लॉसेस हो रहे हैं, वो आपके कभी भी गेन और लॉसेस रियलाइज होंगे ही नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन ही नहीं है। इसलिए उस गेन और लॉस को हमें सिर्फ कहां डालना है, ओसीआई में। सर अगर हमारा इंटेंशन ही नहीं तो हम फेयर वैल्यू कर ही क्यों रहे हैं। नहीं, फेयर वैल्यू करना जरूरी है, क्योंकि ईच एंड एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी शोन एट फेयर वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन ऑफ उसका फेयर वैल्यूएशन होगा। तो इसीलिए हम उसको ओसीआई में डाल रहे हैं। अगर कभी डिस्पोज ऑफ करना पड़ा तो ओसीआई एक्यूमुलेटेड ओसीआई को रिसाइकल करके पीएनएल में डाल देंगे। ऑन डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन ओसीआई से रिसाइकल करके ट्रांसफर टू पीएनएल, दोनों ओसीआई से ट्रांसफर करके पीएनएल में ले जाएंगे।
कुछ बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं, मेरा इन्वेस्टमेंट है फॉरेन ऑपरेशन में। जो मेरा इन्वेस्टमेंट फॉरेन ऑपरेशन में है उसमें उसको मैं बोल रहा हूँ फॉरेन सब्सिडी है। मुझे डर लग रहा है कि मेरे इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए, तो मैंने इस इन्वेस्टमेंट को सेफ करने के लिए इसका हेजिंग कर लिया और इसके अगेंस्ट मैंने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए। अब मेरे पास एक हाथ पे हेज्ड आइटम है मतलब इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरे हाथ पर है मेरे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं दोनों का फेयर वैल्यूएशन करूंगा बैलेंस शीट डेट पर दोनों का फेयर वैल्यूएशन थ्रू ओसीआई होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फॉरेन ऑपरेशन है, ये मेरा कोई फॉरेन रिसीवेबल नहीं है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल नहीं है, फॉरेन करेंसी पेबल नहीं है, जो कहीं ना कहीं विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सेटल होने ही वाला है। ये फॉरेन ऑपरेशन है बेटा, ये कभी सेटल नहीं होगा, ये कभी डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर जो भी फेयर वैल्यूएशन के कारण जो भी गेन और लॉसेज आएंगे इन दोनों का मैं ओसीआई में डाल दूंगा। जैसे ही मैं ओसीआई में डाल दूंगा बस वो रखा रहेगा, जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ओसीआई से रिसाइकिल करके पेंटल में डाल देंगे। आई बात समझ में? मैंने आपको इसमें बताया कि एक होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। एक और चीज मैंने यहां पर छोड़ दी, और चीज एक और चीज क्या हो सकती है, एक और चीज क्या हो सकती है, उसके लिए मैं अगेन स्टार्टिंग से बात करेंगे। मान लीजिए एच लिमिटेड ने, लेट अस से एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड जो कि मेरी एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसको लोन दिया, लोन दिया इंडियन करेंसी में, लोन दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, एच लिमिटेड ने लोन दिया फॉरेन सब्सिडरी को, तो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिख रहा होगा लोन टू एस, और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिख रहा होगा लोन फ्रॉम एच, और वो भी डॉलर में, क्योंकि उसकी फॉरेन करेंसी जो है वो डॉलर होगी। मैंने तो रुपी में लोन दिया बट उसको तो कन्वर्जन करके उसने बुक किया होगा डॉलर में। अब इस लोन को हम कह रहे हैं मॉनिटरी आइटम, ऑब्वियसली सर मॉनिटरी आइटम ही कहते हैं, हमें पता है AS 11 मॉनिटरी आइटम। AS 11 शायद मैं आपको अगली क्लास में ही पढ़ाने वाला हूं, नहीं अगली नहीं उसके बाद वाली क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो एच लिमिटेड ने एक लोन दिया सब्सिडरी को, लोन सब्सिडरी ने वो लोन लिया होल्डिंग से, एच लिमिटेड ने जो लोन दिया वो फॉरेन करेंसी में नहीं दिया, वो इंडियन करेंसी में दिया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लोन रुपीज में दिख रहा होगा बट इसकी बुक्स में लोन डॉलर में दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? एच लिमिटेड, क्लियर है कि नहीं? अब जो एच लिमिटेड है इस लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, मतलब ये लोन कैसे आया, इसको फॉरेन करेंसी में मिला, ये लोन इसको कैसे मिला होगा फॉरेन करेंसी। अब भैया ये जो एस लिमिटेड है ये भी तो IFRS फॉलो करती होगी, ये भी तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करती होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती होगी एस, नहीं ये तो इंडिया की एस है बट फॉरेन कंपनी IFRS या IFRS जैसे कुछ ना कुछ गैप US गैप फॉलो करती होगी। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता देता हूं कि IFRS हो या US गैप हो, वो कहते हैं कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करती हो तो उसको स्पॉट रेट पे रिकॉग्नाइज करोगे। तो जब लोन मिला होगा इंडियन करेंसी से तो एस लिमिटेड ने उसको डॉलर में रिकॉर्ड करने के लिए स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। बैलेंस शीट डेट पे इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किया गया होगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किया गया होगा एस लिमिटेड के द्वारा बैलेंस शीट डेट पर लोन को सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज किया गया होगा, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करने के दौरान जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया होगा वो कहां ले गए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बता दूं AS भी बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस, IFRS भी बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस, IFRS भी बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये IFRS फॉलो कर रही होगी या ये US गैप कर रही होगी तो सब उसको वो ये बोल रहे होंगे कि एक्सचेंज डिफरेंस को आपने कहां डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरी बात आराम आराम से समझने की कोशिश करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। एच लिमिटेड ने लोन दिया एस लिमिटेड को, एच लिमिटेड ने जो लोन दिया एच लिमिटेड ने अपनी बुक्स में तो उसको इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड कर लिया, उसके लिए कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं है, बट एस लिमिटेड के लिए ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुआ क्योंकि उसको लोन इंडियन रुपीज में मिला, उसने इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करके डॉलर में डाल दिया स्पॉट रेट पे, बैलेंस शीट डेट पे उसने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किया, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया वो P&L में बुक कर रही होगी। अब एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक एक्सचेंज लॉस दिख रहा होगा या एक्सचेंज गेन दिख रहा होगा। अब फाइनली एच लिमिटेड एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा सब्सिडरी को कंसीडर करके,
जब वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो वो सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के, एस के प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम्स यहां पर अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में मर्ज करेगा। जैसे एस लिमिटेड की सेल, एस लिमिटेड की परचेजेस, एस लिमिटेड के एक्सपेंसेस, एस लिमिटेड के इनकम्स, वैसे ही एस लिमिटेड का एक्सचेंज लॉस को भी उठा के उसको यहां रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब फिर से लगाना पड़ेगा आपको AS11। आपको अगर याद हो AS11, तो AS11 कहता है कि जब भी आप अपनी किसी फॉरेन सब्सिडरी, जो कि नॉन इंटीग्रल नेचर की फॉरेन सब्सिडरी है, उसके जब सारे आइटम्स आप ले आओगे, उसके सारे आइटम्स आप ले आओगे, तो असेट एंड लाइबिलिटी के आइटम्स को क्लोजिंग रेट पर ले आते हैं और रेवेन्यू आइटम्स को हमें एवरेज रेट पर लेके आना पड़ता है। ये उसका रेवेन्यू आइटम है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है। ये आइटम एक्सचेंज लॉस जाके इधर एवरेज एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन रुपीज में। अगेन देखो हुआ क्या, एक लोन जो सेपरेट बैलेंस शीट में इंडियन रुपीज में दिख रहा है, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में फॉरेन करेंसी में दिख रहा है, सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन किया एस लिमिटेड ने उसका, तो उसके ऊपर एक्सचेंज डिफरेंस आया और एक्सचेंज डिफरेंस वापस से जाके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड में दिख रहा है, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी कंबाइन करके दिखाना है, और ये एवरेज रेट पे मर्ज हो गया। नॉन इंटीग्रल बोलता है कि जो भी डिफरेंसेस आएंगे इस कन्वर्जन पर वो कहां जाएंगे, FCTR में जाएंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो अगेन इसके कारण एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आ रहा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो कि मैंने कहां डाला होगा, OCI, मतलब FCTR। मैं FCTR बोलूं, OCI बोलूं, कैश फ्लो रिजर्व बोलूं, बात एक ही है, मतलब मैं OCI की बात कर रहा हूं, अदर देन P&L की बात कर रहा हूं। अब मुझे क्या डर है, मुझे यह डर है कि जो लोन दिया गया है उस लोन के ऊपर मुझे रिस्क है, तो मैंने इसीलिए उसका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेस कर लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने उस लोन को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में परचेस कर लिया, लोन को रिस्क कवर करने के लिए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में परचेस कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? ये जो लोन दिया गया है मुझे, इस लोन के ऊपर फॉरेन करेंसी का रिस्क है एज अ कंसोलिडेटेड बेसिस पर। इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पर तो मैंने ये लोन इंडियन करेंसी में दिया है, पर एज अ कंसोलिडेशन बेसिस पर इसका मैंने एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेस कर लिया। कैसे? एस लिमिटेड भी हमारे ग्रुप का मेंबर है और एस लिमिटेड ने ये लोन फॉरेन करेंसी में परचेस किया है, मतलब रुपीस में परचेस किया है, तो एस लिमिटेड ने इसका एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेस करके रखा होगा, और वो जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मुझे कंसोलिडेशन में भी दिखाना पड़ेगा। तो अगेन वही बात हो गई, बैलेंस शीट डेट पर एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट डेट पे एक हेज्ड आइटम दिख रहा होगा जो कि ये लोन। समझ में आई बात कि नहीं? दोनों को मुझे फेयर वैल्यू थ्रू OCI करना है, क्योंकि यहां पर मेरा वो सब्सिडरी है जिसको मैं डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाह रहा हूं, और फेयर वैल्यू थ्रू OCI करके मुझे हमेशा उसका फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस को मुझे OCI में बुक करके रखना पड़ेगा। सो गाइस, इन टोटलिटी हम अगर एक समरी बनाए, नोट्स में लिखा हुआ है समरी तीन टाइप के फेयर हेजिंग का, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन हेज। फेयर वैल्यू हेज, हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों का फेयर वैल्यूएशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस P&L में जाएगा। कैश फ्लो हेज, जब तक फॉरकास्ट ट्रांजेक्शन नहीं अकर हो जाता, जब तक कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हो जाता, तब तक का जो भी फेयर वैल्यू गेन होगा, फेयर वैल्यू लॉस होगा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो आप OCI में डालोगे, क्योंकि आपके पास दूसरी चीज हेज आइटम रिकग्नाइज नहीं है, तो आप OCI में डालते जाओगे, OCI से रिसाइकिल कर दोगे P&L में जब आपका सेटलमेंट हो जाएगा ट्रांजेक्शन का या फोरकास्ट ट्रांजेक्शन अकर हो जाएगा। हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन सब्सिडरी में, वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या फिर मैंने जो एक लोन दिया या लोन लिया है वो मैंने फॉरेन करेंसी में लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है। अब मुझे क्योंकि एक रिस्क है, तो मैं उस रिस्क के कारण रिस्क को सेव करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट परचेस किया। दोनों को मुझे फेयर वैल्यू करना है थ्रू OCI, और OCI मुझे लेके चलना है हमेशा अलग से FCTR के फॉर्म में। जब तक मैं डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता सब्सिडरी को, तब तक वो मेरा OCI में पड़ा रहेगा, और उसके बाद वो रिसाइकिल हो जाएगा अगर मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो। सो कुल मिला के द बेसिक आइडिया इज, हमें हेजिंग करनी है फेयर वैल्यू थ्रू P&L के थ्रू या फेयर वैल्यू थ्रू OCI में। दोनों केसेस में रिसाइकिल P&L में होगा ही होगा जब डिस्पोजल होंगे,
या जब सेटलमेंट होंगे। तो चलिए, हेजिंग ऑल्सो डन, क्वेश्चन नंबर 18 ऑल्सो डन। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए हेजिंग के केसेस में, तो हेजिंग में जहां तक मैं मानता हूं हेजिंग के केसेस में वो टाइप्स ऑफ हेजिंग और उनके ट्रीटमेंट पूछ सकता है, मतलब यही फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज और नेट इन्वेस्टमेंट हेज। तो पेज नंबर 20 पर जो मैंने टेबल बनाया है उस टेबल को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। फेयर वैल्यू हेज का मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, उसी टाइप का एक क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सकते हो, दो क्वेश्चन करवाए तो आप आराम से कर सकते हो। कैश फ्लो हेज और नेट इन्वेस्टमेंट हेज के मैंने आपको भले ही क्वेश्चन नहीं करवाए, बट आप कैश फ्लो हेज ये समझ सकते हो कि जैसा हम फेयर वैल्यू हेज में करते हैं वैसा का वैसा करेंगे। सिर्फ हेज्ड आइटम को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस के थ्रू करना है। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन के क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि उनके क्वेश्चंस अभी तक इंस्टीट्यूट ने डिजाइन नहीं किए, इंस्टीट्यूट ने न्यू मॉडल में भी कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन के ऊपर ज्यादा चर्चा करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, उतना ज्यादा रेलेवेंट पोर्शन नहीं है एज फार एज ओल्ड सिलेबस इज कंसर्न। सो ओल्ड सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन जितना मैंने आपको समझाया है आप उस बेसिस पर कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी, उसमें अपन आपके पूरे इस डाउट की चर्चा करेंगे। और अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीकेशन में लगता है कि सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। तो चलिए, ये वाली बात भी कंप्लीट हो गई। अब अपने को क्या करना है, अपने को दो चीजें करनी है, एक आरटीपी का क्वेश्चन और एक अपने ही नोट्स का डेरिवेटिव से जस्ट पहले, मतलब क्वेश्चन 11 के जस्ट बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हमें ट्राई करना है, क्वेश्चन को देखना है और एक आरटीपी का क्वेश्चन हमें ट्राई करना है। पहले हम बात करेंगे आरटीपी के क्वेश्चन की। आरटीपी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर, क्वेश्चन नंबर 13 है। आप जब क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के रिगार्डिंग हमने चर्चा बहुत अच्छे से की हुई थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अपने फर्स्ट लेक्चर पे ही, मतलब डे 12 में हमने फाइनेंशियल असेट के स्टाफ एडवांसेस वाली कैटेगरीज का हमने डिस्कशन किया था। एम्प्लॉय को लोन देते हैं कंसेशनल रेट पे, तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, XYZ Limited grants loan to the employees at 4% amounting to 10 lakh at the beginning of 16-17. The principal amount is repaid over a period of 5 years, whereas the accumulated interest computed on reducing balance at simple interest is collected in two equal installments. ये कह रहा है कि principal amount तो हर साल pay करना पड़ेगा, 5 साल में 10 लाख का loan है तो 2-2 लाख करके pay करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो interest होगा, whereas the accumulated interest computed on the reducing balance, जैसे जैसे हर साल calculate होता जाएगा उसको collect किया जाएगा, is collected in two equal installments after the collection of principal interest, मतलब कुछ ऐसा। दस लाख का loan है, cash inflows, फ्यूचर कैश इनफ्लोस किस तरीके से आएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हर साल मुझे 2-2 लाख रुपए का प्रिंसिपल वापस मिलेगा, ठीक है गाइस, हर साल 2-2 लाख का प्रिंसिपल वापस मिलेगा। अलग से मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट मेरा कैलकुलेट होता जा रहा है, जैसे 10 लाख पर पहले साल 10 लाख के ऊपर 4% तो 40,000 का इंटरेस्ट निकलता है फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 2 लाख तो माइनस हो गया, अब 8 लाख के ऊपर 4% निकालना पड़ेगा, 8 लाख के ऊपर 4% निकालना पड़ेगा मतलब 32,000, फिर थर्ड ईयर में 6 लाख के ऊपर 4% निकालना पड़ेगा मतलब 24,000, फोर्थ ईयर में 4 लाख के ऊपर 4% निकालना पड़ेगा मतलब 16,000, और फिफ्थ ईयर में 2 लाख के ऊपर 4% निकालना पड़ेगा मतलब 8,000। इन सब का टोटल कर लो, इन सब का एक बार टोटल कर लीजिए जल्दी, एक बार जल्दी टोटल कर लो इन सब का, 40, 32, 24, 16 और 8, इन सब का टोटल आता है 1,20,000।
1,20,000, और ये कह रहा है कि जो ये 1,20,000 का रीपेमेंट होगा एट अ सिंपल इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर द कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब छठे साल और सातवें साल में 60,000 करके मुझे इंटरेस्ट का कलेक्शन होगा, मतलब कुल मिला के कलेक्शन मुझे इस तरीके से होगा। मुझे इसके ट्रू रेट के हिसाब से मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट इज अ लोन रिकवरेबिलिटी फॉर मी अमोटाइज कॉस्ट पर, और बाकी जो डिफरेंस आएगा 10,00,000 को माइनस करके वो मेरे लिए हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहे हैं अमोटाइज करेंगे SLM बेसिस पे, नहीं तो मैं उसको बुक करूंगा लॉस उसी साल में। आई बात समझ में? अगर अपन इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में उसी तरीके से किया हुआ है, सोल्यूशन में हर साल 2,00,000 का 2,00,000 का प्रिंसिपल रीपे किया गया और उसके बाद 60,000 रुपए का रीपेमेंट किया गया है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस तरीके से क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा। बस थोड़ा सा फर्क इतना था कि इंटरेस्ट सबसे लास्ट में रीपे कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बाकी पूरा क्वेश्चन हमने ऐसा डिस्कस किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 13 पर, मतलब आरटीपी नहीं, अपने वाले नोट्स में पेज नंबर 13 पर एक इंस्टीट्यूट का स्क्रीनशॉट करके मैंने एक क्वेश्चन दिया है। एबीसी कंपनी इशूड 10,000 कंपल्सरली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्वेश्चन अभी आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। फाइनली आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो और उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, फिर मैं आपको उसका आंसर पूरे के पूरा बोर्ड पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक? तो गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोला था मैंने, होप सो आपने कुछ ना कुछ वर्किंग किया होगा। तो जो वर्किंग किया होगा उस वर्किंग को मैं भी कर देता हूं। कुछ कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, कंपल्सरली कन्वर्टेबल मतलब पक्की बात है कि वो कन्वर्ट तो इक्विटी में होंगे ही होंगे, ठीक है? 5 years का टर्म है और इनफ्लो आज कितना अराइज हुआ है मुझे, मतलब प्रोसीड्स 15,00,000 माइनस 30,000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो प्रोसीड्स हुआ होगा कितना, 14,70,000। अब कैश ऑब्लिगेशंस क्या होंगी वो देख लेते हैं। हर साल का डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड का रेट 10% है, और पांचवें साल में रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं होने वाला बिकॉज दिस इज कंपल्सरली क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ट्रिपल सीपीएस मतलब कंपल्सरली क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। मैं जब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा ट्रू रेट पर, मतलब 15% पर,
ट्रू रेट पर जब मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, जैसे इसका आएगा 130,435, फिर आएगा 113,422, फिर आएगा 98,627, फिर आएगा 85,763, फिर आएगा 74,577। इसका टोटल जो हम आए करेंगे, इसका टोटल आएगा 5,02,824। बेसिकली दिस इज लाइबिलिटी पोर्शन। सो 15 लाख के करेंगे दो हिस्से, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी पोर्शन और लाइबिलिटी पोर्शन में जो लाइबिलिटी पोर्शन होगा 5,02,824, और बाकी का बचेगा इक्विटी। 15 लाख में से 15 लाख में से 5,02,824 हटा देंगे तो ये आएगा 997,176। अब मुझे पता है कि आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने बताया था कि ऊपर लिखते हैं यहां पर प्रोसीड्स, तो जितनी भी प्रोसीड्स होंगी मतलब 1470, आप सर 1470 के दो हिस्से करो ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई बेटा, और क्योंकि इस बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी है तो वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी 30,000 की, वो कुछ इक्विटी पोर्शन में जाएगी और कुछ लाइबिलिटी पोर्शन में जाएगी, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, ये एक कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं 30,000 यहां से माइनस करके 1470 के प्रोसीड्स के अकॉर्डिंग करता तो कहीं ना कहीं पूरा जो 30,000 का ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो मेरे इक्विटी से एडजस्ट हो जाता, क्योंकि लाइबिलिटी का पोर्शन तो मैंने ये 5,02,000 निकाला ही हुआ है, यहां मेरा 30,000 से डिफरेंट कम हो जाता, मतलब वो 30,000 का ट्रांजेक्शन कॉस्ट मेरा पूरा पूरा इक्विटी पोर्शन में चला जाता। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजेक्शन कॉस्ट के भी दो हिस्से होते हैं, इक्विटी पोर्शन और लाइबिलिटी पोर्शन। अब ये कैसे होते हैं? ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो 30,000 है उसको इक्विटी पोर्शन और लाइबिलिटी पोर्शन में कैसे बांटेंगे? इक्विटी और लाइबिलिटी के प्रपोर्शन में कैसे? 30,000 × 997,176 डिवाइडेड बाय 15 लाख। 15 लाख पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी 30,000 की, तो इक्विटी पोर्शन मतलब 997,176 पे कितना होना चाहिए, और वैसे ही 30,002,802,824 डिवाइड बाय 15 लाख। इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट के दो हिस्से हो जाएंगे। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी कितनी आएगी? यहां आएगा 10,056, ठीक है, सॉरी ये 10,056 ये वाला आएगा 10,056, और ये आएगा 19,944, 19,944। अब मैं आपको एंट्री बता देता हूं, एंट्री किस तरीके से करेंगे। पहले हम लिखेंगे नेट इक्विटी पोर्शन और नेट लाइबिलिटी पोर्शन। नेट इक्विटी पोर्शन 997,176 माइनस 19,944। नाइन डबल सेवन टू थ्री टू और लाइबिलिटी पोर्शन, जो लाइबिलिटी पोर्शन होगा नेट वो कितना होगा? 502,824 माइनस 10,056। फोर नाइन्टी टू 768 एंट्री करेंगे डे वन पे। बैंक डेबिट 14,70,000, बैंक डेबिट 14,70,000
थाउजेंड टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी, लाइबिलिटी में जाएगा 492, 768 और 977232। क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? ये लाइबिलिटी और ये इक्विटी। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट 30,000 को मैंने इक्विटी और लाइबिलिटी में बांटना पड़ता है क्योंकि ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं नहीं बांटता, मैं डायरेक्ट 1470 में से प्रोसीड्स में से लाइबिलिटी पोर्शन माइनस करता, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 30,000 मेरा पूरा इक्विटी पोर्शन से लेस हो जाता, जो कि गड़बड़ घोटाला हो जाता। एक बात ये। दूसरी बात है, अब देखो कहीं ना कहीं जो मेरे फ्यूचर कैश ऑब्लिगेशन है उनका प्रेजेंट वैल्यू 15% पर कितना आ रहा है, 502824, जबकि मैंने आज लाइबिलिटी को कितने में दिखाया, 492767768। सो नाउ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट शेल बी रीकैलकुलेटेड है। हाँ देखो ना यार, मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितने पे दिख रही है, 492768, जबकि जो कैश ऑब्लिगेशन है उनका प्रेजेंट वैल्यू 15% पे कितना आ रहा है, 502। वो जो 10,056 रुपए था ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट, उसके चक्कर में लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट शैल बी रिकैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 492768। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 15% पर 502 आ रही है, मुझे वैल्यू कम करनी है 492, तो डेफिनेटली 15% से ऊपर कुछ रेट आएगा, तकरीबन 15.6 के आसपास कोई रेट आएगा, 15.6 भी नहीं बल्कि 15.4 या 15.5, वॉट एवर। एक IRR हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15% पर 502 आ रहा है तो 16% पर कितना आएगा, और उसका इंटरपोलेशन टेक्निक से एक नया ERI निकल आएगा, वो ERI अप्लाई होगा इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए। समझ में आया कि नहीं? दो बातें अपन ने इंपॉर्टेंटली देखी इस क्वेश्चन में, कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डेफिनेटली नीचे कैश ऑब्लिगेशन में नहीं आएगा। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जहां था कि एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, होल्डर बताएगा कि उसको कैश चाहिए कि शेयर चाहिए, तो वहां पर हम कैश ऑब्लिगेशन में लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरी बात, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, तो उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट के दो हिस्से होंगे, इक्विटी पोर्शन और लाइबिलिटी पोर्शन में, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी निकालने के लिए पहले ग्रॉस में से इक्विटी पोर्शन निकाला जाएगा, फिर हम अपोर्शनमेंट करेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, फिर उसके बाद हमने ये एंट्री कर ली, फिर फाइनली लाइबिलिटी के लिए हमें रिवाइज्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कंसीडरिंग IRR टेक्निक। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसको एक बार कर लीजिएगा। फाइनली वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गाइस मैंने अपना 100% दिया, आई नो वेरी वेल, मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है बहुत सारी जगह पर। कुछ कुछ जगह पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ बेफालतू चीजें जो मतलब की नहीं है वो डिस्कस करने का कोई तुक नहीं बनता है, हमें जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने आपके साथ कवर अप कर ली हैं। मुझे अभी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करना है, क्लासेस जो अभी रिमेनिंग चलेंगी उसमें AS16, AS17, AS11, AS12, इसके अलावा AS4, 5, 29 ये भी होंगे कवर अप। उसके अलावा AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके ऊपर एक गाइडेंस नोट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंड एएस के कुछ और स्पेसिफिक पोर्शंस, जैसे इंड एएस 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, इंड एएस के रिगार्डिंग कार्विन कार्व आउट, कार्विन कार्व आउट्स, और OCI के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बोला कि OCI के रिगार्डिंग मैं आपको एक समरी बना के दे दूंगा कि कौन कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग चीजें OCI में एडजस्ट होती हैं। तो वी हैव रिमेनिंग 6 to 7 क्लासेस नाउ ओनली। इन दो 6 to 7 क्लासेस आई विल कवर अप इन AS16, 17, 11, 12, 4, 5, 29, 25 और 24, और इसके अलावा इन डेज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर कुछ बात करनी होगी मुझे कुछ जैसे इंडेस 101 और इसके अलावा कार्बन कार्व आउट और OCI वाली बातें, इन 6 to 7 क्लासेस आई विल वाइंड अप, आई विल कंक्लूड द इंटायर सेशन ऑफ AS इंडेस।
इंटायर क्लासेस ऑफ एस एंड डेज। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।